Can I speak to Mr. Bachchan, please? So, let's begin the magic show. वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन मूवी के बारे में। जी हाँ, सो मिस्टर बच्चन जो फिल्म है ना, 2024 में रिलीज़ की गई थी। तो फाइनली अब आप दोस्त इस इनको हिंदी लैंग्वेज में कहाँ पे और कैसे इस इनको वॉच कर सकते हो, किस तरह की ये फिल्म होने वाली है, और आप दोस्त इस फिल्म को हिंदी में वो भी फ्रीली और ऑफिशियली वो भी अपने मोबाइल में कैसे देख सकती हो, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया हुआ तो कर दें, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को आपने लाजमी ऑन करना है, क्योंकि जो भी न्यू मूवीज आती हैं उनके बारे में अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आपने सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है, क्योंकि जो भी न्यू मूवी आएगी उसी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी वो जो कि जानने के लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा। जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर ज़्यादा हम बात नहीं करते, तो यहाँ पर हम बात करें मिस्टर बच्चन मूवी की। तो यहाँ पर ये 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन ड्रामा जोनर की फिल्म है, और इस इनको रिलीज़ करवाया गया था 15 अगस्त 2024 में, यानी 15 अगस्त 2024 में इस इनको इंडिपेंडेंस डे के फेस्टिवल या इंडिपेंडेंस डे के दिन पर ही रिलीज़ करवाया हुआ था।
उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में, तो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं हरीश शंकर, जो इससे पहले काफ़ी अच्छी फिल्में भी बना चुके हैं, बट यहाँ पर जो ये उनकी फ़िल्म थी ना मिस्टर बच्चन, जो कि ये फिल्म बॉक्सेस पर जो कि फ़्लॉप ही रही। और यहाँ पर ये जो कि ख़ास बात इस फिल्म की ये भी है जिसकी वजह से फ़्लॉप रही, क्योंकि इस फिल्म की जो स्टोरी वगैरह थी ना वो रीमेक थी, यानी जो कि अजय देवगन की फ़िल्म आपने जो कि देखी होगी रेड फिल्म को, उसी फिल्म से इस फिल्म को ऑफिशियली जो कि रीमेक किया हुआ था तेलुगु लैंग्वेज के अंदर, जहाँ पर इस फिल्म को तेलुगु में ही रिलीज़ करवाया गया था। अब यहाँ पर इस फिल्म के लिए हिंदी ऑडियंस वेट कर रही है, क्योंकि रवि तेजा के भी काफ़ी सारे फैंस हैं जो उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं, तो उसी वजह से इस फिल्म का भी काफ़ी सारी ऑडियंस वेट कर रही है, देखना चाहती है इस फिल्म को। इसीलिए जो भी अपडेट्स आई हैं वो सारा आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर बता दूँ जो कि इस फिल्म को रेटिंग वगैरह जो मिली हुई है 10/3.6 की मिली हुई है, जो कि रेटिंग भी एवरेज ही है, और ये फ्लॉप रेटिंग मिली हुई है इस फिल्म को एवरेज और फ्लॉप रेटिंग दी गई है जो कि गूगल के ऊपर ऑडियंस की तरफ से। लीड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं मिस्टर जो कि देखा जाए तो रवि तेजा, उसके बाद यहाँ पर भाग्यश्री बोर्स, उसके बाद यहाँ पर जो कि सिद्धू जुगनाल गादू जो है ना यहाँ पर जो कि कैमरे पर इसमें देखने को मिल जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर जगपति बाबू हैं, भुवनु सिंह हैं, शुभलेखा सुधाकर हैं, सचिन गिड़ेकर हैं, और भी काफ़ी सारी स्पोर्टिंग कास्ट है जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर बता दूँ कि मिस्टर बच्चन, जैसे मैंने आपको ऑफिशियली बताया हुआ है ना, पहले भी बताया कि मिस्टर बच्चन जो फिल्म है ना 2024 में रिलीज़ की गई, जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा एक्शन जोनर की फिल्म थी। राइट और डायरेक्ट किया हुआ था हरिशंकर ने, और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह जो किया था टी जी विष्णु प्रसाद ने, और यहाँ पर विवेक कुची बोतला ने, और भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और अभिषेक पटाक ने मिलकर, और यहाँ पर कुमार मगनाथ पटाक ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। अंडर द बैनर फिल्म जैसे पीपल मीडिया फैक्ट्री तीसरी इस फिल्म, और उसके बाद यहाँ पर पनोरमा जो कि स्टूडियोज़ के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था, यानी इस फिल्म के ऊपर जो भी खर्चा लगा हुआ था, जो भी इस फिल्म को बनाने के लिए रकम दी गई थी या जो भी पैसा लगा हुआ था, इन सब जो कंपनीज़ के थ्रू और इन सब प्रोड्यूसर वगैरह ने मिलकर इस फिल्म के ऊपर पैसा वगैरह लगाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ जो कि इस फिल्म को जैसे बताया हुआ था, यहाँ पर हरिशंकर ने इस फिल्म को जो कि डायरेक्ट किया हुआ था। राइट की बात करें तो स्टोरी को वैसे जो कि रेड जो थी ना उसी फिल्म को जो कि ऑफिशियली रिमेक किया हुआ था, तो उसी स्टोरी को जो कि उन्होंने तेलुगु लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ था, डायलाग्स वगैरह तेलुगु में लिखे हुए थे थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह करके। उसके बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो श्री सतीश वेगनेसा ने जो कि इस फिल्म के स्क्रीन प्ले में हेल्प की हुई थी, रमेश रेड्डी, प्रवीण वर्मा, और उसके बाद जो कि दत्रिया, और इसके बाद तानवी कैसरी ने मिलकर स्क्रीन प्ले में जो कि हेल्प वगैरह की हुई थी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में, तो रितेश शाह इस फिल्म के जो कि ऑफिशियली जो राइटर वगैरह थे, यानी रेड फिल्म को जो कि स्टोरी वगैरह को लिखा हुआ था, तो वो भी इस फिल्म के राइटर वगैरह हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो यहाँ पर जो कि अनियंका बोस ने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की हुई थी, उज्ज्वल करकरनी ने इस फिल्म को एडिट किया हुआ था। तो उज्ज्वल करकरनी को आजकल जो कि काफ़ी सारे लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने KGF चैप्टर 2 मूवी को जो कि एडिट किया हुआ था, उसके बाद उन्होंने के सालार 2 मूवी को भी एडिट किया था, तो उनकी ये तीसरी फिल्म थी जिसको वो एडिट करने में कामयाब रहे, जिसका नाम है उज्ज्वल कर जो मिस्टर बच्चन फिल्म थी ना रवि तेजा की। उसके बाद यहाँ पर म्यूज़िक की बात करें तो मिक्की जे मियर ने इस फिल्म को म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था, प्रोडक्शन कंपनी पीपल मीडिया फैक्ट्री टी सीरीज फिल्म, और यहाँ पर पनोरमा स्टूडियोज़ के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात करें तो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट जो कंपनी कर रही थी ऑल ओवर द इंडिया, और वो थी मैत्री मूवी मेकर। जी हाँ, सो मैत्री मूवी मेकर जो फिल्म थी ना इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी ऑल ओवर द इंडिया, यानी ऑल ओवर द इंडिया इस फिल्म को रिलीज़ करवा रही थी, जो भी काम वगैरह था ना वो मैत्री मूवी मेकर वालों ने किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में और इस फिल्म के जो कि रनिंग टाइम की, तो 160 मिनट का इस फिल्म को रनिंग टाइम दिया हुआ था, जो कि जब इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज़ करवाया गया तो ऑडियंस की जो कि डिमांड थी कि ये बहुत बड़ी लंबी लेंथ वाली फिल्म है और बोरिंग फिल्म है, तो यहाँ पर उन्होंने 11 मिनट्स का एक कट लगाया हुआ था। उसके बाद भी इस फिल्म को ऑडियंस ने पसंद नहीं किया, और यहाँ पर इस फिल्म का बजट था 70 करोड़, और जिसमें इस फिल्म ने सिर्फ 10% की भी रिकवरी नहीं कर पाई, और फिल्म ने जो कि देखा जाए तो 7 करोड़ का
कैलकुलेशन किया और यहाँ पर जो कि 10% की रिकवरी तो की है, लेकिन यहाँ पर बता दूँ जो कि 70 करोड़ के बजट में यानी 70 करोड़ के बजट में बनाई गई फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ का कलेक्शन किया और ये बॉक्स पर बहुत ही बड़ी डिज़ास्टर और फ्लॉप फिल्म रही। जी हाँ, सो देखा जाए तो रवि तेजा के कैरियर की सबसे बड़ी जो कि सबसे डिज़ास्टर फिल्म है ना, जो है वो मिस्टर बच्चन। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें फिल्म के थोड़ा सा डिटेलिंग के ऊपर, तो यहाँ पर फिल्म को ऑफिशियली जो कि इंस्पायर्ड किया हुआ था, जैसे मैं आपको बताया है ना, रियल लाइफ से, और यहाँ पर ये रेड फिल्म थी जो अजय देवगन की फिल्म थी, उसी फिल्म से फिल्म को ऑफिशियली रीमेक किया हुआ था, और यहाँ पर जो कि स्टोरी वगैरह को भी उसी फिल्म से जो कि ऑफिशियली कॉपी वगैरह किया हुआ था। अब यहाँ पर जो कि बात करें फिल्म के जो कि बारे में, कास्ट के बारे में, तो यहाँ पर जो कि मिस्टर बच्चन का रोल प्ले किया हुआ यहाँ पर रवि तेजा, यानी जो कि टैक्स ऑफिसर का यानी इनकम टैक्स ऑफिसर का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो कि भाग्यश्री बोस इस फिल्म के अंदर चिक्की का रोल प्ले किया हुआ है, जो यहाँ पर रवि तेजा की लवर भी बोल सकते हैं या फिर उनकी गर्लफ्रेंड या फिर उनकी वाइफ का भी रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर है जगपति बाबू दो मोतियम जागिया का रोल प्ले किया है। उसके बाद यहाँ पर तलकीना भरानी है जो राम जागर ठाकुर का रोल प्ले किया। उसके बाद गौतमी है जो बास्ती का रोल प्ले किया। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो जो कि सुभा लेखा सुधाकर है जो पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया है सत्या इस फिल्म के अंदर, जिसकी इसके लवर का रोल प्ले किया हुआ है जो यहाँ पर सचिन गिडे का नाम, वो पंकज का रोल प्ले करते दिखाई दिए। यहाँ पर झांसी है जो यहाँ झांसी का रोल प्ले किया, सुदर्शन इस फिल्म के अंदर जो कि ऑस्ट्रा मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सत्यम जो कि राजेश हैं आनंद के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम इस फिल्म की बात करें तो आगे जैसे बताया हुआ ना जो कि उसके बाद यहाँ पर आदुल कलम जो कि नरेश हैं जो सीएम का रोल प्ले कर रहे हैं, चमक चंद्रा हैं, उसके बाद यहाँ पर अन्नापूर्णा स्टोरिंग में, उसके बाद यहाँ पर प्रभात सिंह है श्रीनिवास का रोल प्ले कर रहे हैं, गौतम राजू है जो यहाँ पर राजू का रोल प्ले किया है, जो कि बाबू मोहन है इस फिल्म के अंदर पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अजय रत्नम है, वी एस रवि हैं, उसके बाद यहाँ पर कल्याणी नटराजन है जो जिक्कीस की मादर का रोल प्ले किया है, शिल्पा है जो चक्रवर्ती इस फिल्म के अंदर भी देखने को मिली है, मायरा खान इस फिल्म का जो कि चिन्ना केशवा का की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर नागेश महेश इस फिल्म के अंदर जग्गा राव का रोल प्ले किया हुआ, वजा वेंकट इस फिल्म के अंदर बालू का रोल प्ले करते दिखाई दिया, सिद्धू जो इस फिल्म के अंदर है ना वो यूथ युवराज का रोल प्ले किया जो इस फिल्म के अंदर कैमियो अपीयरेंस में देखने को मिल जाते हैं। डीएसपी इस फिल्म के अंदर जो नालनचू सोंग तना उसके अंदर एक कैमियो अपीयरेंस में देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये सारी कास्ट है इस फिल्म के अंदर जो देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर जो कि देखने को मिली है वो सारा कुछ इस फिल्म के अंदर रोल जो उनको कास्ट डायरेक्टर की तरफ से मिला हुआ था, तो उन्होंने रोल प्ले वगैरह किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें स्टोरी दिखाई जाती है आनंद की, यानी जो मिस्टर बच्चन का रोल प्ले कर दिखाई दिए जो यहाँ पर रवि तेजा प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो एक अनेस्ट और इनकम जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर का एक ईमानदार ऑफिसर है, और यहाँ पर वो ऐसे लोगों के घर में जो कि यानी रेड मारता है जिनके ऊपर जो कि वो एक पॉलिटिशियन होते हैं या बड़े जो कि देखा जाए तो बिजनेसमैन भी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर काला पैसा काफ़ी सारा होता है। इसी वजह से वो उनके घर के ऊपर जो कि पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन करता है, फिर उनके घर पर जो कि छापा मारता है, जो भी उनकी जो काला पैसा होता है ना वो उनको निकालता है, और फिर जो कि रेड वगैरह मार के सारा पैसा लेके जाता है। इस तरह करते करते उसके काफ़ी सारे दुश्मन बन जाते हैं, जिनमें से यहाँ पर जो कि उनका एक बहुत बड़ा जिसमें बन जाता है मोतियम जगिया जो इस फिल्म के अंदर दिखाया हुआ है, और वो जो कि उसके ऊपर काफ़ी सारा गुस्सा होता है और उससे जो कि मारना चाहता है। आखिर क्यों मारना चाहता है, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, वो आपको फिल्म में दिखाया जाएगा। और साथ ही ये भी दिखाया जाता है यहाँ पर जो कि जो आनंद है ना वो जो कि जिक्की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसका जो कि लवर बन चुका है, जिक्की भी उससे प्यार करने लग चुकी है, उससे वो की शादी कैसे होती है, उसकी शादी में कितनी सारी रुकावटें आती हैं, वो सारा कुछ आपको वो भी इस फिल्म के अंदर दिखाया जाएगा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तो ये स्टोरी वगैरह थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर गाने वगैरह की बात करें, टोटल इस फिल्म के 4 गाने, चारों गानों की लेंथ है 16 मिनट 9 सेकंड। उसके बाद ये सारे गाने आपको तेलुगु सीरीज टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर रिलीज वगैरह की बात करें तो यहाँ पर पहले भी बता चुका हूँ 15 अगस्त 2024 फिल्म को रिलीज करवाया होता है, जहाँ पर यह फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर और फ्लॉप फिल्म रही थी। उसके बाद यहाँ पर हिंदी वेरियंट की बात
बात करें या फिर OTT प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर 12 सितंबर यानी 12 सितंबर को 2024 फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया था, जहाँ पर यह फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में ही रिलीज़ हुई थी। हिंदी वर्जन अभी तक इस फिल्म का जो कि रिलीज़ वगैरह नहीं करवाया गया था, जिसको हिंदी के बारे में जो भी अपडेट्स आएंगी वो सारा कुछ इसी चैनल पर ही मिलेंगी। अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें। इस फिल्म को देखना है तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर जो कि साउथ लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी और वहाँ पर आप दोस्त जाके इंजॉय कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते। वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन मूवी के बारे में। जी हाँ, सो मिस्टर बच्चन जो फिल्म है ना 2024 में रिलीज़ की गई थी, तो फाइनली अब आप दोस्त इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में कहाँ पे और कैसे इस फिल्म को वॉच कर सकते हो, किस तरह की ये फिल्म होने वाली है और आप दोस्त इस फिल्म को हिंदी में वो भी फ्रीली और ऑफिशियली वो भी अपने मोबाइल में कैसे देख सकती हो, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया हुआ तो कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को आपने लाजमी ऑन करना है, क्योंकि जो भी न्यू मूवीज आती हैं उनके बारे में अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आपने सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है, क्योंकि जो भी न्यू मूवी आएगी उसी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी वो जो कि जानने के लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा। जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर ज़्यादा हम बात नहीं करते तो यहाँ पर हम बात करें मिस्टर बच्चन मूवी की। तो यहाँ पर ये 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन ड्रामा जोनर की फिल्म है और इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था 15 अगस्त 2024 में, यानी 15 अगस्त 2024 में इस फिल्म को इंडिपेंडेंस डे के फेस्टिवल या इंडिपेंडेंस डे के दिन पर ही रिलीज़ करवाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें फिल्म के बारे में, तो फिल्म के डायरेक्टर हैं हरीश शंकर, जो इससे पहले काफ़ी अच्छी फिल्में भी बना चुके हैं, बट यहाँ पर जो ये उनकी फिल्म थी ना मिस्टर बच्चन, जो कि ये फिल्म बॉक्सेस पर जो कि फ़्लॉप ही रही। और यहाँ पर ये जो कि ख़ास बात इस फिल्म की ये भी है जिसकी वजह से फ़्लॉप रही, क्योंकि इस फिल्म की जो स्टोरी वगैरह थी ना वो रीमेक थी, यानी जो कि अजय देवगन की फिल्म आपने जो कि देखी होगी रेड फिल्म को, उसी फिल्म से इस फिल्म को ऑफिशियली जो कि रीमेक किया हुआ था तेलुगु लैंग्वेज के अंदर, जहाँ पर इस फिल्म को तेलुगु में ही रिलीज़ करवाया गया था। अब यहाँ पर इस फिल्म के लिए हिंदी ऑडियंस वेट कर रही है, क्योंकि रवि तेजा के भी काफ़ी सारे फैंस हैं जो उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं, तो उसी वजह से इस फिल्म का भी काफ़ी सारी ऑडियंस वेट कर रही है, देखना चाहती है इस फिल्म को, इसीलिए जो भी अपडेट्स आई हैं वो सारा आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर बता दूँ चुके इस फिल्म को रेटिंग वगैरह जो मिली हुई है 10/3.6 की मिली हुई है, जो कि रेटिंग भी एवरेज ही है और ये फ्लॉप रेटिंग मिली हुई है इस फिल्म को, एवरेज और फ्लॉप रेटिंग दी गई है जो कि गूगल के ऊपर ऑडियंस की तरफ से। लीड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं मिस्टर जो कि देखा जाए तो रवि तेजा, उसके बाद यहाँ पर भाग्यश्री बोर्स, उसके बाद यहाँ पर जो कि सिद्धू जुगनाल गादू जो है ना यहाँ पर जो कि कैमरे पर इसमें देखने को मिल जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर जगपति बाबू हैं, भुवन्यू सिंह हैं, शुभलेखा सुधाकर हैं, सचिन गिड़ेकर हैं और भी काफ़ी सारी स्पोर्टिंग कास्ट है जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर बता दूँ चुके मिस्टर बच्चन, जैसे मैंने आपको ऑफिशियली बताया हुआ है ना, पहले भी बताया कि मिस्टर बच्चन जो फिल्म है ना 2024 में रिलीज़ की गई, चुके ये एक तेलुगु लैंग्वेज की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा एक्शन जोनर की फिल्म थी। राइट और डायरेक्ट किया हुआ था हरिशंकर ने और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह जो किया था TG विष्णु प्रसाद ने और यहाँ पर विवेक कुची बोतला ने और भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और अभिषेक पाठक ने मिलकर और यहाँ पर कुमार मगनाथ पाठक ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। अंडर द बैनर फिल्म जैसे पीपल मीडिया फैक्ट्री तीसरी इस फिल्म और उसके बाद यहाँ पर पनोरमा जो कि स्टूडियोज़ के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था, यानी इस फिल्म के ऊपर जो भी खर्चा लगा हुआ था, जो भी इस फिल्म को बनाने के लिए रकम दी गई थी या जो भी पैसा लगा हुआ था, इन सब जो कंपनियों के थ्रू और इन सब प्रोड्यूसर वगैरह ने मिलकर इस फिल्म के ऊपर पैसा वगैरह लगाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ चुके इस फिल्म को जैसे बताया हुआ था यहाँ पर हरिशंकर ने फिल्म को जो कि डायरेक्ट किया हुआ था। राइट की बात करें तो स्टोरी को वैसे जो कि रेड जो थी ना उसी फिल्म को जो कि ऑफिशियली रिमेक किया हुआ था, तो उसी स्टोरी को जो कि उन्होंने तेलुगु लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ था, डायलाग्स वगैरह तेलुगु में लिखे हुए थे, थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह करके। उसके बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो श्री सतीश वेगनेसा ने जो कि इस फिल्म के स्क्रीन प्ले में हेल्प की हुई थी, रमेश रेड्डी, प्रवीण वर्मा और उसके बाद जो कि दत्रिया और इसके बाद तानवी कैसरी ने मिलकर स्क्रीन प्ले में जो कि हेल्प वगैरह की हुई थी।
उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में, तो रितेश शाह इस फिल्म के जो कि ऑफिशियली जो राइटर वगैरह थे, यानी रेड फिल्म को जो कि स्टोरी वगैरह को लिखा हुआ था, तो वो भी इस फिल्म के राइटर वगैरह हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो यहाँ पर जो कि अनियंका बोस ने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की हुई थी, उज्ज्वल करकरनी ने इस फिल्म को एडिट किया हुआ था। तो उज्ज्वल करकरनी को आजकल जो कि काफ़ी सारे लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने KGF चैप्टर 2 मूवी को जो कि एडिट किया हुआ था, उसके बाद उन्होंने जो कि सालार 2 मूवी को भी एडिट किया था, तो उनकी ये तीसरी फिल्म थी जिसको वो एडिट करने में कामयाब रहे, जिसका नाम है उज्ज्वल कर जो मिस्टर बच्चन फिल्म थी ना रवि तेजा की। उसके बाद यहाँ पर म्यूज़िक की बात करें तो मिक्की जे मियर ने इनको म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था, प्रोडक्शन कंपनी पीपल मीडिया फैक्ट्री की टी सीरीज फिल्म और यहाँ पर पनोरमा स्टूडियोज़ के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात करें तो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट जो कंपनी कर रही थी ऑल ओवर द इंडिया, और वो थी मैत्री मूवी मेकर। जी हाँ, सो मैत्री मूवी मेकर जो फिल्म थी ना, इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी ऑल ओवर द इंडिया, यानी ऑल ओवर द इंडिया इस फिल्म को रिलीज़ करवा रही थी, जो भी काम वगैरह था ना वो मैत्री मूवी मेकर वालों ने किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में और फिल्म के जो कि रनिंग टाइम की, तो 160 मिनट का इस फिल्म को रनिंग टाइम दिया हुआ था, जो कि जब इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज़ करवाया गया तो ऑडियंस की जो कि डिमांड थी कि ये बहुत बड़ी लंबी लेंथ वाली फिल्म है और बोरिंग फिल्म है, तो यहाँ पर उन्होंने 11 मिनट्स का एक कट लगाया हुआ था। उसके बाद भी इस फिल्म को ऑडियंस ने पसंद नहीं किया और यहाँ पर इस फिल्म का बजट था 70 करोड़, और जिसमें इस फिल्म ने सिर्फ 10% की भी रिकवरी नहीं कर पाई, और फिल्म ने जो कि देखा जाए तो 7 करोड़ का कलेक्शन किया, और यहां पर जो कि 10% की रिकवरी तो की है, लेकिन यहां पर बता दूं जो कि 70 करोड़ के बजट में, यानी 70 करोड़ के बजट में बनाई गई फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ का कलेक्शन किया, और ये बॉक्सेस पर बहुत ही बड़ी डिजास्टर और फ्लॉप फिल्म रही। जी हां, सो देखा जाए तो रवि तेजा के कैरियर की सबसे बड़ी जो कि सबसे डिजास्टर फिल्म है ना जो है वो मिस्टर बच्चन। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के थोड़ा सा डिटेलिंग के ऊपर, तो यहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशियली जो कि इंस्पायर्ड किया हुआ था, जैसे मैं आपको बताया है ना, रियल लाइफ से, और यहाँ पर ये रेड फिल्म थी जो अजय देवगन की फिल्म थी, उसी फिल्म से इस फिल्म को ऑफिशियली रीमेक किया हुआ था, और यहाँ पर जो कि स्टोरी वगैरह को भी उसी फिल्म से जो कि ऑफिशियली कॉपी वगैरह किया हुआ था। अब यहाँ पर जो कि बात करें इस फिल्म के जो कि बारे में, कास्ट के बारे में, तो यहाँ पर जो कि मिस्टर बच्चन का रोल प्ले किया हुआ यहाँ पर रवि तेजा, यानी जो कि टैक्स ऑफिसर का, यानी इनकम टैक्स ऑफिसर का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर है जो कि भाग्यश्री बोस इस फिल्म के अंदर चिक्की का रोल प्ले किया हुआ है, जो यहाँ पर रवि तेजा की लवर भी बोल सकते हैं, या फिर उनकी गर्लफ्रेंड, या फिर उनकी वाइफ का भी रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर है जगपति बाबू दो मुत्यम जागिया का रोल प्ले किया है। उसके बाद यहाँ पर तलकीना भरानी है जो राम जागर ठाकुर का रोल प्ले किया। उसके बाद गौतमी है जो बास्ती का रोल प्ले किया। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो जो कि सुभा लेखा सुधाकर है जो पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया है सत्या इस फिल्म के अंदर, जिसकी इसके लवर का रोल प्ले किया हुआ है, जो यहाँ पर सचिन गिड़े का नाम वो पंकज का रोल प्ले करते दिखाई दिए। यहाँ पर झांसी है जो यहाँ झांसी का रोल प्ले किया है। सुदर्शन इस फिल्म के अंदर जो कि ऑस्ट्रा मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सत्यम जो कि राजेश हैं आनंद के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम इस फिल्म की बात करें तो आगे जैसे बताया हुआ ना जो कि उसके बाद यहाँ पर आदुल कलम जो कि नरेश हैं जो सीएम का रोल प्ले कर रहे हैं, चमक चंद्रा हैं। उसके बाद यहाँ पर अन्नापूर्णा है स्टोरिंग में। उसके बाद यहाँ पर प्रभात सिंह है श्रीनिवास का रोल प्ले कर रहे हैं, गौतम राजू है जो यहाँ पर राजू का रोल प्ले किया है, जो कि बाबू मोहन है इस फिल्म के अंदर पुलिस स्टेशन का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अजय रत्नम है, VS रवि हैं। उसके बाद यहाँ पर कल्याणी नटराजन है जो जिक्कीस की मादर का रोल प्ले किया है, शिल्पा है जो चक्रवर्ती इस फिल्म के अंदर भी देखने को मिली है, मायरा खान इस फिल्म का जो कि चिन्ना केशवा का की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर नागेश महेश इस फिल्म के अंदर जग्गा राव का रोल प्ले किया हुआ, वजा वेंकट इस फिल्म के अंदर बालू का रोल प्ले करते दिखाई दिया, सिद्धू जो इस फिल्म के अंदर है ना वो यूथ युवराज का रोल प्ले किया जो इस फिल्म के अंदर कैमियो अपीयरेंस में देखने को मिल जाते हैं, DSP इस फिल्म के अंदर जो नालनचू सोंग तना उसके अंदर एक कैमियो अपीयरेंस में देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये सारी कास्ट है इस फिल्म के अंदर जो देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर जो कि देखने को मिली है वो सारा कुछ इस फिल्म के अंदर रोल जो उनको कास्ट डायरेक्टर की तरफ से मिला हुआ था, तो उन्होंने रोल प्ले वगैरह किया हुआ था।
उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है, फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें स्टोरी दिखाई जाती है आनंद की, यानी जो मिस्टर बच्चन का रोल प्ले कर दिखाई दिए, जो यहाँ पर रवि तेजा प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो एक अनेस्ट और इनकम जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर का एक ईमानदार ऑफिसर है, और यहाँ पर वो ऐसे लोगों के घर में जो कि यानी रेड मारता है जिनके ऊपर जो कि वो एक पॉलिटिशियन होते हैं या बड़े जो कि देखा जाए तो बिजनेसमैन भी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर काला पैसा काफ़ी सारा होता है। इसी वजह से वो उनके घर के ऊपर जो कि पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन करता है, फिर उनके घर पर जो कि छापा मारता है, जो भी उनकी जो काला पैसा होता है ना वो उनको निकालता है, और फिर जो कि रेड वगैरह मार के सारा पैसा लेके जाता है। इस तरह करते करते उसके काफ़ी सारे दुश्मन बन जाते हैं, जिनमें से यहाँ पर जो कि उनका एक बहुत बड़ा जिसमें बन जाता है मोतियम जगिया, जो इस फिल्म के अंदर दिखाया हुआ है, और वो जो कि उसके ऊपर काफ़ी सारा गुस्सा होता है और उससे जो कि मारना चाहता है। आखिर क्यों मारना चाहता है, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, वो आपको फिल्म में दिखाया जाएगा। और साथ ही ये भी दिखाया जाता है यहाँ पर जो कि जो आनंद है ना, वो जो कि जिक्की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसका जो कि लवर बन चुका है, जिक्की भी उसे प्यार करने लग चुकी है, उससे वो की शादी कैसे होती है और उसकी शादी में कितनी सारी रुकावटें आती हैं, वो सारा कुछ आपको वो भी इस फिल्म के अंदर दिखाया जाएगा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तो ये स्टोरी वगैरह थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर गाने वगैरह की बात करें, टोटल इस फिल्म के चार गाने, चारों गानों की लेंथ है 16 मिनट 9 सेकेंड। उसके बाद ये सारे गाने आपको तेलुगु सीरीज टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर रिलीज़ वगैरह की बात करें तो यहाँ पर पहले भी बता चुके, 15 अगस्त 2024 फिल्म को रिलीज़ करवाया होता है, जहाँ पर यह फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर और फ्लॉप फिल्म रही थी। उसके बाद यहाँ पर हिंदी वेरियंट की बात करें या फिर OTT प्लेटफॉर्म की बात करें, तो यहाँ पर 12 सितंबर यानी 12 सितंबर 2024 फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया था, जहाँ पर यह फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में ही रिलीज़ हुई थी। हिंदी वर्जन अभी तक इस फिल्म का जो कि रिलीज़ वगैरह नहीं करवाया गया था। जिसको हिंदी के बारे में जो भी अपडेट्स आएंगी वो सारा कुछ इसी चैनल पर ही मिलेंगी। अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें। इस फिल्म को देखना है तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर जो कि साउथ लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी, और वहाँ पर आप दोस्त जाके इंजॉय कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते। वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन मूवी के बारे में। जी हाँ, सो मिस्टर बच्चन जो फिल्म है ना 2024 में रिलीज़ की गई थी, तो फाइनली अब आप दोस्त इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में कहाँ पे और कैसे इस फिल्म को वॉच कर सकते हो, किस तरह की ये फिल्म होने वाली है, और आप दोस्त इस फिल्म को हिंदी में वो भी फ्रीली और ऑफिशियली वो भी अपने मोबाइल में कैसे देख सकती हो, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया हुआ तो कर दें, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को आपने लाजमी ऑन करना है, क्योंकि जो भी न्यू मूवीज आती हैं उनके बारे में अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आपने सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है, क्योंकि जो भी न्यू मूवी अब आएगी उसी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी वो जो कि जानने के लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा। जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर ज़्यादा हम बात नहीं करते तो यहाँ पर हम बात करें मिस्टर बच्चन मूवी की। तो यहाँ पर ये 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन ड्रामा जोनर की फिल्म है, और इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था 15 अगस्त 2024 में, यानी 15 अगस्त 2024 में इस फिल्म को इंडिपेंडेंस डे के फेस्टिवल या इंडिपेंडेंस डे के दिन पर ही रिलीज़ करवाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें फिल्म के बारे में, तो फिल्म के डायरेक्टर हैं हरीश शंकर, जो इससे पहले काफ़ी अच्छी फिल्में भी बना चुके हैं, बट यहाँ पर जो ये उनकी फिल्म थी ना मिस्टर बच्चन, जो कि ये फिल्म बॉक्सेस पर जो कि फ़्लॉप ही रही, और यहाँ पर ये जो कि ख़ास बात इस फिल्म की ये भी है जिसकी वजह से फ़्लॉप रही, क्योंकि इस फिल्म की जो स्टोरी वगैरह थी ना वो रीमेक थी, यानी जो कि अजय देवगन की फिल्म आपने जो कि देखी होगी रेड फिल्म को, उसी फिल्म से इस फिल्म को ऑफिशियली जो कि रीमेक किया हुआ था तेलुगु लैंग्वेज के अंदर, जहाँ पर इस फिल्म को तेलुगु में ही रिलीज़ करवाया गया था। अब यहाँ पर इस फिल्म के लिए हिंदी ऑडियंस वेट कर रही है, क्योंकि रवि तेजा के भी काफ़ी सारे फैंस हैं जो उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं, तो उसी वजह से इस फिल्म का भी काफ़ी सारी ऑडियंस वेट कर रही है, देखना चाहती है इस फिल्म को, इसीलिए जो भी अपडेट्स आई हैं वो सारा आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ।
तो यहाँ पर बता दूँ चुके इसमें को रेटिंग वगैरह जो मिली हुई है 10/3.6 की मिली हुई है, जो कि रेटिंग भी एवरेज ही है, और ये एक फ्लॉप रेटिंग मिली हुई है इस फिल्म को, एवरेज और फ्लॉप रेटिंग दी गई है जो कि गूगल के ऊपर ऑडियंस की तरफ से। लीड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं मिस्टर जो कि देखा जाए तो रवि तेजा, उसके बाद यहाँ पर भाग्यश्री बोर्स, उसके बाद यहाँ पर जो कि सिद्धू जुगनाल गादू जो है ना यहाँ पर जो कि कैमरे पर इसमें देखने को मिल जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर जगपति बाबू हैं, भुवनु सिंह हैं, सुबह जो कि शुभलेखा सुधाकर हैं, सचिन गिड़ेकर हैं, और भी काफ़ी सारी स्पोर्टिंग कास्ट है जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर बता दो चुके मिस्टर बच्चन, जैसे मैंने आपको ऑफिशियली बताया हुआ है ना, पहले भी बताया कि मिस्टर बच्चन जो फिल्म है ना 2024 में रिलीज़ की गई, जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा एक्शन जोनर की फिल्म थी। राइट और डायरेक्ट किया हुआ था हरिशंकर ने, और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह जो किया था टी जी विष्णु प्रसाद ने, और यहाँ पर विवेक कुची बोतला ने, और भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और अभिषेक पटाक ने मिलकर, और यहाँ पर कुमार मगनाथ पटाक ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। अंडर द बैनर फिल्म जैसे पीपल मीडिया फैक्ट्री, तीसरी फिल्म, उसके बाद यहाँ पर पनोरमा जो कि स्टूडियोज़ के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था, यानी इस फिल्म के ऊपर जो भी खर्चा लगा हुआ था, जो भी इस फिल्म को बनाने के लिए रकम दी गई थी या जो भी पैसा लगा हुआ था, इन सब जो कंपनियों के थ्रू और इन सब प्रोड्यूसर वगैरह ने मिलकर इस फिल्म के ऊपर पैसा वगैरह लगाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ चुके इस फिल्म को जैसे बताया हुआ था, यहाँ पर हरिशंकर ने फिल्म को जो कि डायरेक्ट किया हुआ था। राइट की बात करें तो स्टोरी को वैसे जो कि रेड जो थी ना उसी फिल्म को जो कि ऑफिशियली रिमेक किया हुआ था, तो उसी स्टोरी को जो कि उन्होंने तेलुगु लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ था, डायलाग्स वगैरह तेलुगु में लिखे हुए थे, थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह करके। उसके बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो श्री सतीश वेगनेसा ने जो कि इस फिल्म के स्क्रीन प्ले में हेल्प की हुई थी, रमेश रेड्डी, प्रवीण वर्मा, और उसके बाद जो कि दत्रिया, और इसके बाद तानवी कैसरी ने मिलकर स्क्रीन प्ले में जो कि हेल्प वगैरह की हुई थी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में तो रितेश शाह इस फिल्म के जो कि ऑफिशियली जो राइटर वगैरह थे, यानी रेड फिल्म को जो कि स्टोरी वगैरह को लिखा हुआ था, तो वो भी इस फिल्म के राइटर वगैरह हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो यहाँ पर जो कि अनियंका बोस ने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की हुई थी, उज्ज्वल करकरनी ने इस फिल्म को एडिट किया हुआ था। तो उज्ज्वल करकरनी को आजकल जो कि काफ़ी सारे लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने KGF चैप्टर 2 मूवी को जो कि एडिट किया हुआ था, उसके बाद उन्होंने के सालार 2 मूवी को भी एडिट किया था, तो उनकी ये तीसरी फिल्म थी जिसको वो एडिट करने में कामयाब रहे, जिसका नाम है उज्जवल कर जो मिस्टर बच्चन फिल्म थी ना रवि तेजा की। उसके बाद यहाँ पर म्यूजिक की बात करें तो मिक्की जे मियर ने इस फिल्म को म्यूजिक वगैरह दिया हुआ था, प्रोडक्शन कंपनी पीपल मीडिया फैक्ट्री, टी सीरीज फिल्म, और यहाँ पर पनोरमा स्टूडियोज़ के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात करें तो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट जो कंपनी कर रही थी ऑल ओवर द इंडिया, और वो थी मैत्री मूवी मेकर। जी हाँ, सो मैत्री मूवी मेकर जो फिल्म थी ना इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी ऑल ओवर द इंडिया, यानी ऑल ओवर द इंडिया इस फिल्म को रिलीज़ करवा रही थी, जो भी काम वगैरह था ना वो मैत्री मूवी मेकर वालों ने किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में और इस फिल्म के जो जी के रनिंग टाइम की, तो 160 मिनट का इस फिल्म को रनिंग टाइम दिया हुआ था, जो कि जब इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज़ करवाया गया तो ऑडियंस की जो कि डिमांड थी कि ये बहुत बड़ी लंबी लेंथ वाली फिल्म है और बोरिंग फिल्म है, तो यहाँ पर उन्होंने 11 मिनट्स का एक कट लगाया हुआ था। उसके बाद भी इस फिल्म को ऑडियंस ने पसंद नहीं किया, और यहाँ पर इस फिल्म का बजट था 70 करोड़, और जिसमें इस फिल्म ने सिर्फ 10% की भी रिकवरी नहीं कर पाई, और फिल्म ने जो कि देखा जाए तो 7 करोड़ का कलेक्शन किया, और यहाँ पर जो कि 10% की रिकवरी तो की है, लेकिन यहाँ पर बता दूँ जो कि 70 करोड़ के बजट में, यानी 70 करोड़ के बजट में बनाई गई फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ का कलेक्शन किया, और ये बॉक्सेस पर बहुत ही बड़ी डिजास्टर और फ्लॉप फिल्म रही। जी हाँ, सो देखा जाए तो रवि तेजा के कैरियर की सबसे बड़ी जो कि सबसे डिजास्टर फिल्म है ना जो है वो मिस्टर बच्चन। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें फिल्म के थोड़ा सा डिटेलिंग के ऊपर, तो यहाँ पर फिल्म को ऑफिशियली जो कि इंस्पायर्ड किया हुआ था जैसे मैं आपको बताया है ना रियल लाइफ से, और यहाँ पर ये रेड फिल्म थी जो अजय देवगन की फिल्म थी उसी फिल्म से इस फिल्म को ऑफिशियली रीमेक किया हुआ था, और यहाँ पर जो कि स्टोरी वगैरह को भी उसी फिल्म से जो कि ऑफिशियली कॉपी वगैरह किया हुआ था। अब यहाँ पर जो कि बात करें फिल्म के जो कि बारे में कास्ट के बारे में, तो यहाँ पर जो कि मिस्टर बच्चन का रोल प्ले किया हुआ यहाँ पर रवि तेजा, यानी जो कि टैक्स ऑफिसर का, यानी इनकम टैक्स ऑफिसर का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर है जो कि भाग्यश्री बोस इस फिल्म के अंदर चिक्की का रोल प्ले किया हुआ है, जो यहाँ पर रवि तेजा की लवर भी बोल सकते हैं या फिर उनकी गर्लफ्रेंड या फिर उनकी वाइफ का भी रोल प्ले किया हुआ है।
उसके बाद यहाँ पर है जगपति बाबू, दो मुत्यम जागिया का रोल प्ले किया। उसके बाद यहाँ पर तलकीना भरानी है जो राम जगर ठाकुर का रोल प्ले किया। उसके बाद गौतमी है जो बास्ती का रोल प्ले किया। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो जो कि सुभा लेखा सुधाकर है जो पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया हुआ है सत्या इस फिल्म के अंदर, जिसकी इसके लवर का रोल प्ले किया हुआ है जो यहाँ पर सचिन गिडे करना वो पंकज का रोल प्ले करते दिखाई दिए। यहाँ पर झांसी है जो यहाँ झांसी का रोल प्ले किया हुआ सुदर्शन इस फिल्म के अंदर जो कि ऑस्ट्रा मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सत्यम जो कि राजेश हैं आनंद के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम इस फिल्म की बात करें तो आगे जैसे बताया हुआ ना जो कि उसके बाद यहाँ पर आदुलक्कलम जो कि नरेश हैं जो सीएम का रोल प्ले कर रहे हैं, चमक चंद्रा हैं। उसके बाद यहाँ पर अन्नापूर्णा स्टोरिंग में, उसके बाद यहाँ पर प्रभात सिन्हा श्रीनिवास का रोल प्ले कर रहे हैं, गौतम राजू है जो यहाँ पर राजू का रोल प्ले किया है, जो कि बाबू मोहन है इस फिल्म के अंदर पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अजय रत्नम है, वी एस रवि हैं। उसके बाद यहाँ पर कल्याणी नटराजन है जो जिक्की इसकी मादर का रोल प्ले किया है, शिल्पा है जो चक्रवर्ती इस फिल्म के अंदर भी देखने को मिली है, मायरा खान इस फिल्म का जो कि चिन्ना केशवा का की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर नागेश महेश इस फिल्म के अंदर जग्गा राव का रोल प्ले किया हुआ, वजा वेंकट इस फिल्म के अंदर बालू का रोल प्ले करते दिखाई दिया, सिद्धू जो इस फिल्म के अंदर है ना वो यूथ युवराज का रोल प्ले किया जो इस फिल्म के अंदर कैमियो अपीयरेंस में देखने को मिल जाते हैं। डीएसपी इस फिल्म के अंदर जो नालनचू सोंग तारा उसके अंदर एक कैमियो अपीयरेंस में देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये सारी कास्ट है इस फिल्म के अंदर जो देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर जो कि देखने को मिली है वो सारा कुछ इस फिल्म के अंदर रोल जो उनको कास्ट डायरेक्टर की तरफ से मिला हुआ था तो उन्होंने रोल प्ले वगैरह किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें स्टोरी दिखाई जाती है आनंद की, यानी जो मिस्टर बच्चन का रोल प्ले करते दिखाई दिए जो यहाँ पर रवि तेजा प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो एक अनेस्ट और इनकम जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर का एक ईमानदार ऑफिसर है और यहाँ पर वो ऐसे लोगों के घर में जो कि यानी रेड मारता है जिनके ऊपर जो कि वो एक पॉलिटिशियन होते हैं या बड़े जो कि देखा था तो बिजनेसमैन भी होते हैं क्योंकि उनके अंदर काला पैसा काफ़ी सारा होता है। इसी वजह से वो उनके घर के ऊपर जो कि पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन करता है फिर उनके घर पर जो कि छापा मारता है, जो भी उनकी जो काला पैसा होता है ना वो उनको निकालता है और फिर जो कि रेड वगैरह मार के सारा पैसा लेके जाता है। इस तरह करते करते उसके काफ़ी सारे दुश्मन बन जाते हैं जिनमें से यहाँ पर जो कि उनका एक बहुत बड़ा जिसमें बन जाता है मोतियम जगिया जो इस फिल्म के अंदर दिखाया हुआ है और वो जो कि उसके ऊपर काफ़ी सारा गुस्सा होता है और उससे जो कि मारना चाहता है। आखिर क्यों मारना चाहता है, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो आपको फिल्म में दिखाया जाएगा। और साथ ही ये भी दिखाया जाता है यहाँ पर जो कि जो आनंद है ना वो जो कि जिक्की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसका जो कि लवर बन चुका है, जिक्की भी उससे प्यार करने लग चुकी है, उससे वो की शादी कैसे होती है, उसकी शादी में कितनी सारी रुकावटें आती हैं, वो सारा कुछ आपको वो भी इस फिल्म के अंदर दिखाया जाएगा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तो ये स्टोरी वगैरह थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर गाने वगैरह की बात करें, टोटल इस फिल्म के चार गाने, चारों गानों की लेंथ है 16 मिनट 9 सेकंड। उसके बाद ये सारे गाने आपको तेलुगु सीरीज टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्म देखने और सुनने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर रिलीज वगैरह की बात करें तो यहाँ पर पहले भी बता चुका हूँ 15 अगस्त 2024 फिल्म को रिलीज करवाया होता है जहाँ पर यह फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर और फ्लॉप फिल्म रही थी। उसके बाद यहाँ पर हिंदी वर्जन की बात करें या फिर OTT प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहां पर 12 सितंबर यानी 12 सितंबर को 2024 में फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली रिलीज करवा दिया गया था जहां पर यह फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में ही रिलीज हुई थी। हिंदी वर्जन अभी तक इस फिल्म का जो कि रिलीज वगैरह नहीं करवाया गया था। जिसको हिंदी के बारे में जो भी अपडेट्स आएंगी वो सारा कुछ इसी चैनल पर ही मिलेंगी। अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें। इस फिल्म को देखना है तो यह फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर जो कि साउथ लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी और वहां पर आप दोस्त जाके एंजॉय कर सकते हो और वीडियो भी लाइक और शेयर कर सकते। वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन मूवी के बारे में। जी हाँ, सो मिस्टर बच्चन जो फिल्म है ना 2024 में रिलीज़ की गई थी तो फाइनली अब आप दोस्त इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में कहाँ पे और कैसे इस फिल्म को वॉच कर सकते हो, किस तरह की ये फिल्म होने वाली है और आप दोस्त इस फिल्म को हिंदी में वो भी फ्रीली और ऑफिशियली वो भी अपने मोबाइल में कैसे देख सकती हो, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया हुआ तो कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करने के साथ
बेल नोटिफिकेशन को आपने लाजमी ऑन करना है, क्योंकि जो भी न्यू मूवीज़ आती हैं उनके बारे में अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आपने सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है, क्योंकि जो भी न्यू मूवी आएगी उसी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी वो जो कि जानने के लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा। जैसे मैं वीडियो डालूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर ज़्यादा हम बात नहीं करते, तो यहाँ पर हम बात करें मिस्टर बच्चन मूवी की। तो यहाँ पर ये 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन ड्रामा जोनर की फिल्म है और इसे उनको रिलीज़ करवाया गया था 15 अगस्त 2024 में, यानी 15 अगस्त 2024 में इस उनको इंडिपेंडेंस डे के फेस्टिवल या इंडिपेंडेंस डे के दिन पर ही रिलीज़ करवाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें फिल्म के बारे में, तो फिल्म के डायरेक्टर हैं हरीश शंकर, जो इससे पहले काफ़ी अच्छी फिल्में भी बना चुके हैं, बट यहाँ पर जो ये उनकी फ़िल्म थी ना मिस्टर बच्चन, जो कि ये फ़िल्म बॉक्सेस पर जो कि फ़्लॉप ही रही। और यहाँ पर ये जो कि ख़ास बात इस फिल्म की ये भी है जिसकी वजह से फ़्लॉप रही, क्योंकि इस फिल्म की जो स्टोरी वगैरह थी ना वो रीमेक थी, यानी जो कि अजय देवगन की फ़िल्म आपने जो कि देखी होगी रेड फिल्म को, उसी फिल्म से इस फिल्म को ऑफिशियली जो कि रीमेक किया हुआ था तेलुगु लैंग्वेज के अंदर, जहाँ पर इस फिल्म को तेलुगु में ही रिलीज़ करवाया गया था। अब यहाँ पर इस फिल्म के लिए हिंदी ऑडियंस वेट कर रही है, क्योंकि रवि तेजा के भी काफ़ी सारे फैंस हैं जो उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं, तो उसी वजह से इस फिल्म काफ़ी सारी ऑडियंस वेट कर रही है, देखना चाहती है इस फिल्म को, इसीलिए जो भी अपडेट्स आई हैं वो सारा आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर बता दूँ जो कि इस फिल्म को रेटिंग वगैरह जो मिली हुई है 10/3.6 की मिली हुई है, जो कि रेटिंग भी एवरेज ही है, और ये फ्लॉप रेटिंग मिली हुई है इस फिल्म को, एवरेज और फ्लॉप रेटिंग दी गई है जो कि गूगल के ऊपर। ऑडियंस की तरफ से लीड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं मिस्टर जो कि देखा जाए तो रवि तेजा, उसके बाद यहाँ पर भाग्यश्री बोर्स, उसके बाद यहाँ पर जो कि सिद्धू जुगनाल गादू जो है ना यहाँ पर जो कि कैमरे पर इसमें देखने को मिल जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर जगपति बाबू हैं, भुवन्यू सिंह हैं, शुभलेखा सुधाकर हैं, सचिन गिड़ेकर हैं, और भी काफ़ी सारी स्पोर्टिंग कास्ट है जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर बता दूँ कि मिस्टर बच्चन, जैसे मैंने आपको ऑफिशियली बताया हुआ है ना, पहले भी बताया कि मिस्टर बच्चन जो फिल्म है ना 2024 में रिलीज़ की गई, जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा एक्शन जोनर की फिल्म थी, राइट और डायरेक्ट किया हुआ था हरिशंकर ने, और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह जो किया था टी जी विष्णु प्रसाद ने, और यहाँ पर विवेक कुची बोतला ने और भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और अभिषेक पटाक ने मिलकर, और यहाँ पर कुमार मगनाथ पटाक ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। अंडर द बैनर फिल्म जैसे पीपल मीडिया फैक्ट्री, तीसरी इस फिल्म, और उसके बाद यहाँ पर पनोरमा जो के स्टूडियोज़ के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था, यानी इस फिल्म के ऊपर जो भी खर्चा लगा हुआ था, जो भी इस फिल्म को बनाने के लिए रकम दी गई थी या जो भी पैसा लगा हुआ था, इन सब जो कंपनियों के थ्रू और इन सब प्रोड्यूसर वगैरह ने मिलकर इस फिल्म के ऊपर पैसा वगैरह लगाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ चुके फिल्म को, जैसे बताया हुआ था यहाँ पर हरिशंकर ने फिल्म को जो कि डायरेक्ट किया हुआ था। राइट की बात करें तो स्टोरी को वैसे जो कि रेड जो थी ना उसी फिल्म को जो कि ऑफिशियली रिमेक किया हुआ था, तो उसी स्टोरी को जो कि उन्होंने तेलुगु लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ था, डायलाग्स वगैरह तेलुगु में लिखे हुए थे, थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह करके। उसके बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो श्री सतीश वेगनेसा ने जो कि इस फिल्म के स्क्रीन प्ले में हेल्प की हुई थी, रमेश रेड्डी, प्रवीण वर्मा, और उसके बाद जो कि दत्रिया, और इसके बाद तानवी कैसरी ने मिलकर स्क्रीन प्ले में जो कि हेल्प वगैरह की हुई थी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में, तो रितेश शाह इस फिल्म के जो कि ऑफिशियली जो राइटर वगैरह थे, यानी रेड फिल्म को जो कि स्टोरी वगैरह को लिखा हुआ था, तो वो भी इस फिल्म के राइटर वगैरह हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो यहाँ पर जो कि अनियंका बोस ने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की हुई थी, उज्ज्वल करकरनी ने इस फिल्म को एडिट किया हुआ था। तो उज्ज्वल करकरनी को आजकल जो कि काफ़ी सारे लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने KGF चैप्टर 2 मूवी को जो कि एडिट किया हुआ था, उसके बाद उन्होंने जो कि सालार 2 मूवी को भी एडिट किया था, तो उनकी ये तीसरी फिल्म थी जिसको वो एडिट करने में कामयाब रहे, जिसका नाम है उज्ज्वल कर जो मिस्टर बच्चन फिल्म थी ना रवि तेजा की। उसके बाद यहाँ पर म्यूज़िक की बात करें तो मिक्की जे मियर ने फिल्म को म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था, प्रोडक्शन कंपनी पीपल मीडिया फैक्ट्री, तीसरी फिल्म, और यहाँ पर पनोरमा स्टूडियोज़ के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात करें तो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट जो कंपनी कर रही थी ऑल ओवर द इंडिया, और वो थी मैत्री मूवी मेकर। जी हाँ, सो मैत्री मूवी मेकर जो फिल्म थी ना इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी ऑल ओवर द इंडिया, यानी ऑल ओवर द इंडिया इस फिल्म को रिलीज़ करवा रही थी, जो भी काम वगैरह था ना वो मैत्री मूवी मेकर वालों ने किया हुआ था।
उसके बाद यहाँ पर हम बात करें फिल्म के बारे में और फिल्म के जे ओ जी के रनिंग टाइम की, तो 160 मिनट का इस फिल्म को रनिंग टाइम दिया हुआ था, जो कि जब इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज़ करवाया गया तो ऑडियंस की जो कि डिमांड थी कि ये बहुत बड़ी लंबी लेंथ वाली फिल्म है और बोरिंग फिल्म है, तो यहाँ पर उन्होंने 11 मिनट्स का एक कट लगाया हुआ था। उसके बाद भी इस फिल्म को ऑडियंस ने पसंद नहीं किया और यहाँ पर इस फिल्म का बजट था 70 करोड़ और जिसमें इस फिल्म ने सिर्फ 10% की भी रिकवरी नहीं कर पाई और फिल्म ने जो कि देखा जाए तो 7 करोड़ का कलेक्शन किया और यहाँ पर जो कि 10% की रिकवरी तो की है, लेकिन यहाँ पर बता दूँ जो कि 70 करोड़ के बजट में यानी 70 करोड़ के बजट में बनाई गई फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ का कलेक्शन किया और ये बॉक्सेस पर बहुत ही बड़ी डिजास्टर और फ्लॉप फिल्म रही। जी हाँ, सो देखा जाए तो रवि तेजा के कैरियर की सबसे बड़ी जो कि सबसे डिजास्टर फिल्म है ना, जो है वो मिस्टर बच्चन। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें फिल्म के थोड़ा सा डिटेलिंग के ऊपर, तो यहाँ पर फिल्म को ऑफिशियली जो कि इंस्पायर्ड किया हुआ था जैसे मैं आपको बताया है ना रियल लाइफ से, और यहाँ पर ये रेड फिल्म थी जो अजय देवगन की फिल्म थी उसी फिल्म से इस फिल्म को ऑफिशियली रीमेक किया हुआ था और यहाँ पर जो कि स्टोरी वगैरह को भी उसी फिल्म से जो कि ऑफिशियली कॉपी वगैरह किया हुआ था। अब यहाँ पर जो कि बात करें फिल्म के जो कि बारे में कास्ट के बारे में, तो यहाँ पर जो कि मिस्टर बच्चन का रोल प्ले किया हुआ यहाँ पर रवि तेजा यानी जो कि टैक्स ऑफिसर का यानी इनकम टैक्स ऑफिसर का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर है जो कि भाग्यश्री बोस इस फिल्म के अंदर चिक्की का रोल प्ले किया हुआ है, जो यहाँ पर रवि तेजा की लवर भी बोल सकते हैं या फिर उनकी गर्लफ्रेंड या फिर उनकी वाइफ का भी रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर है जगपति बाबू दो मुत्यम जागिया का रोल प्ले किया है। उसके बाद यहाँ पर तलकीना भरानी है जो राम जागर ठाकुर का रोल प्ले किया। उसके बाद गौतमी है जो बास्ती का रोल प्ले किया। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो जो कि सुभा लेखा सुधाकर है जो पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया है सत्या इस फिल्म के अंदर, जिसकी इसके लवर का रोल प्ले किया हुआ है जो यहाँ पर सचिन गिड़े का नाम वो पंकज का रोल प्ले करते दिखाई दिए। यहाँ पर झांसी है जो यहाँ झांसी का रोल प्ले किया है। सुदर्शन इस फिल्म के अंदर जो कि ऑस्ट्रा मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सत्यम जो कि राजेश हैं आनंद के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम इस फिल्म की बात करें तो आगे जैसे बताया हुआ ना जो कि उसके बाद यहाँ पर आदुल कलम जो कि नरेश हैं जो सीएम का रोल प्ले कर रहे हैं, चमक चंद्रा हैं। उसके बाद यहाँ पर अन्नापूर्णा स्टोरिंग में, उसके बाद यहाँ पर प्रभात सिंह है श्रीनिवास का रोल प्ले कर रहे हैं, गौतम राजू है जो यहाँ पर राजू का रोल प्ले किया है, जो कि बाबू मोहन है इस फिल्म के अंदर पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अजय रत्नम है, वी एस रवि हैं। उसके बाद यहाँ पर कल्याणी नटराजन है जो जिक्कीस की मादर का रोल प्ले किया है, शिल्पा है जो चक्रवर्ती इस फिल्म के अंदर भी देखने को मिली है, मायरा खान इस फिल्म का जो कि चिन्ना केशवा का की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर नागेश महेश इस फिल्म के अंदर जग्गा राव का रोल प्ले किया हुआ, वजा वेंकट इस फिल्म के अंदर बालू का रोल प्ले करते दिखाई दिया, सिद्धू जो इस फिल्म के अंदर है ना वो यूथ युवराज का रोल प्ले किया जो इस फिल्म के अंदर कैमियो अपीयरेंस में देखने को मिल जाते हैं। डीएसपी इस फिल्म के अंदर जो नालनचू सोंगदाना उसके अंदर एक कैमियो अपीयरेंस में देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये सारी कास्ट है इस फिल्म के अंदर जो देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर जो कि देखने को मिली है वो सारा कुछ इस फिल्म के अंदर रोल जो उनको कास्ट डायरेक्टर की तरफ से मिला हुआ था तो उन्होंने रोल प्ले वगैरह किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें स्टोरी दिखाई जाती है आनंद की यानी जो मिस्टर बच्चन का रोल प्ले कर दिखाई दिए जो यहाँ पर रवि तेजा प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो एक अनेस्ट और इनकम जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर का एक ईमानदार ऑफिसर है और यहाँ पर वो ऐसे लोगों के घर में जो कि यानी रेड मारता है जिनके ऊपर जो कि वो एक पॉलिटिशियन होते हैं या बड़े जो कि देखा जाए तो बिजनेसमैन भी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर काला पैसा काफ़ी सारा होता है। इसी वजह से वो उनके घर के ऊपर जो कि पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन करता है फिर उनके घर पर जो कि छापा मारता है, जो भी उनकी जो काला पैसा होता है ना वो उनको निकालता है और फिर जो कि रेड वगैरह मार के सारा पैसा लेके जाता है। इस तरह करते करते उसके काफ़ी सारे दुश्मन बन जाते हैं जिनमें से यहाँ पर जो कि उनका एक बहुत बड़ा जिसमें बन जाता है मुत्यम जगिया जो इस फिल्म के अंदर दिखाया हुआ है और वो जो कि उसके ऊपर काफ़ी सारा गुस्सा होता है और उससे जो कि मारना चाहता है। आखिर क्यों मारना चाहता है, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो आपको फिल्म में दिखाया जाएगा। और साथ ही ये भी दिखाया जाता है यहाँ पर जो कि जो आनंद है ना वो जो कि जिक्की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसका जो कि लवर बन चुका है, जिक्की भी उसे प्यार करने लग चुकी है, उससे वो की शादी कैसे होती है और उसकी शादी में कितनी सारी रुकावटें आती हैं वो सारा कुछ आपको
वो भी इस फिल्म के अंदर दिखाया जाएगा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तो ये स्टोरी वगैरह थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर गाने वगैरह की बात करें, टोटल इस फिल्म के चार गाने, चारों गानों की लेंथ है 16 मिनट 9 सेकेंड। उसके बाद ये सारे गाने आपको तेलुगु सीरीज टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर रिलीज़ वगैरह की बात करें तो यहाँ पर पहले भी बता चुका हूँ 15 अगस्त 2024 फिल्म को रिलीज़ करवाया होता है, जहाँ पर यह फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर और फ्लॉप फिल्म रही थी। उसके बाद यहाँ पर हिंदी वेरियंट की बात करें या फिर ओ टी टी प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर 12 सितंबर यानी 12 सितंबर 2024 फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया था, जहाँ पर यह फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में ही रिलीज़ हुई थी। हिंदी वेरियंट अभी तक इस फिल्म का जो कि रिलीज़ वगैरह नहीं करवाया गया था। जिसको हिंदी के बारे में जो भी अपडेट्स आएंगी वो सारा कुछ इसी चैनल पर ही मिलेंगी। अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें। इस फिल्म को देखना है तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर जो कि साउथ लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी और वहाँ पर आप दोस्त जाके इंजॉय कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते। वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन मूवी के बारे में। जी हाँ, सो मिस्टर बच्चन जो फिल्म है ना 2024 में रिलीज़ की गई थी, तो फाइनली अब आप दोस्त इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में कहाँ पे और कैसे इस फिल्म को वॉच कर सकते हो, किस तरह की ये फिल्म होने वाली है और आप दोस्त इस फिल्म को हिंदी में वो भी फ्रीली और ऑफिशियली वो भी अपने मोबाइल में कैसे देख सकती हो, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया हुआ तो कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को आपने लाजमी ऑन करना है, क्योंकि जो भी न्यू मूवीज आती हैं उनके बारे में अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आपने सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है, क्योंकि जो भी न्यू मूवी अब आएगी उसी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी वो जो कि जानने के लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा। जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर ज़्यादा हम बात नहीं करते तो यहाँ पर हम बात करें मिस्टर बच्चन मूवी की। तो यहाँ पर ये 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन ड्रामा जॉनर की फिल्म है और फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था 15 अगस्त 2024 में, यानी 15 अगस्त 2024 में इस फिल्म को इंडिपेंडेंस डे के फेस्टिवल या इंडिपेंडेंस डे के दिन पर ही रिलीज़ करवाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें फिल्म के बारे में, तो फिल्म के डायरेक्टर हैं हरीश शंकर, जो इससे पहले काफ़ी अच्छी फिल्में भी बना चुके हैं, बट यहाँ पर जो ये उनकी फिल्म थी ना मिस्टर बच्चन, जो कि ये फिल्म बॉक्सेस पर जो कि फ़्लॉप ही रही। और यहाँ पर ये जो कि ख़ास बात इस फिल्म की ये भी है जिसकी वजह से फ़्लॉप रही, क्योंकि फिल्म की जो स्टोरी वगैरह थी ना वो रीमेक थी, यानी जो कि अजय देवगन की फिल्म आपने जो कि देखी होगी रेड फिल्म को, उसी फिल्म से इस फिल्म को ऑफिशियली जो कि रीमेक किया हुआ था तेलुगु लैंग्वेज के अंदर, जहाँ पर इस फिल्म को तेलुगु में ही रिलीज़ करवाया गया था। अब यहाँ पर इस फिल्म के लिए हिंदी ऑडियंस वेट कर रही है, क्योंकि रवि तेजा के भी काफ़ी सारे फैंस हैं जो उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं, तो उसी वजह से इस फिल्म का भी काफ़ी सारी ऑडियंस वेट कर रही है, देखना चाहती है इस फिल्म को, इसीलिए जो भी अपडेट्स आई हैं वो सारा आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर बता दूँ चुके इस फिल्म को रेटिंग वगैरह जो मिली हुई है 10/3.6 की मिली हुई है, जो कि रेटिंग भी एवरेज ही है, और ये फ्लॉप रेटिंग मिली हुई है इस फिल्म को, एवरेज और फ्लॉप रेटिंग दी गई है जो कि गूगल के ऊपर ऑडियंस की तरफ से। लीड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं मिस्टर जो कि देखा जाए तो रवि तेजा, उसके बाद यहाँ पर भाग्यश्री बोर्स, उसके बाद यहाँ पर जो कि सिद्धू जुगनाल गादू जो है ना यहाँ पर जो कि कैमरे पर इसमें देखने को मिल जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर जगपति बाबू हैं, भुवनु सिंह हैं, शुभलेखा सुधाकर हैं, सचिन गिड़ेकर हैं, और भी काफ़ी सारी स्पोर्टिंग कास्ट है जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर बता दो चुके मिस्टर बच्चन, जैसे मैंने आपको ऑफिशियली बताया हुआ है ना, पहले भी बताया कि मिस्टर बच्चन जो फिल्म है ना 2024 में रिलीज़ की गई, जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा एक्शन जोनर की फिल्म थी। राइट और डायरेक्ट किया था हरिशंकर ने, और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह जो किया था टी जी विष्णु प्रसाद ने, और यहाँ पर विवेक कुची बोतला ने और भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और अभिषेक पटाक ने मिलकर, और यहाँ पर कुमार मगनाथ पटाक ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया था। अंडर द बैनर फिल्म जैसे पीपल मीडिया फैक्ट्री सीरीज फिल्म, उसके बाद यहाँ पर पनोरमा जो कि स्टूडियोज़ के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था, यानी इस फिल्म के ऊपर जो भी खर्चा लगा हुआ था, जो भी इस फिल्म को बनाने के लिए रकम दी गई थी या जो भी पैसा लगा हुआ था, इन सब जो कंपनियों के थ्रू और इन सब प्रोड्यूसर वगैरह ने मिलकर इस फिल्म के ऊपर पैसा वगैरह लगाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ चुके इस फिल्म को जैसे बताया हुआ था, यहाँ पर हरीशंकर ने फिल्म को जो कि
डायरेक्ट किया हुआ था। राइट की बात करें तो स्टोरी को वैसे जो कि रेड जो थी ना उसी फिल्म को जो कि ऑफिशियली रीमेक किया हुआ था, तो उसी स्टोरी को जो कि उन्होंने तेलुगु लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ था। डायलॉग्स वगैरह तेलुगु में लिखे हुए थे, थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह करके। उसके बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो श्री सतीश वेगनेसा ने जो कि इस फिल्म के स्क्रीन प्ले में हेल्प की हुई थी, रमेश रेड्डी, प्रवीण वर्मा और उसके बाद जो कि दत्रिया और इसके बाद तानवी कैसरी ने मिलकर स्क्रीन प्ले में जो कि हेल्प वगैरह की हुई थी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में तो रितेश शाह इस फिल्म के जो कि ऑफिशियली जो राइटर वगैरह थे, यानी रेड फिल्म को जो कि स्टोरी वगैरह को लिखा हुआ था, तो वो भी इस फिल्म के राइटर वगैरह हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो यहाँ पर जो कि अनियंका बोस ने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई थी, उज्ज्वल कुलकर्णी ने इस फिल्म को एडिट किया हुआ था। तो उज्ज्वल कुलकर्णी को आजकल जो कि काफ़ी सारे लोग जानते हैं क्योंकि उन्होंने KGF चैप्टर 2 मूवी को जो कि एडिट किया हुआ था। उसके बाद उन्होंने सालार 2 मूवी को भी एडिट किया था, तो उनकी ये तीसरी फिल्म थी जिसको वो एडिट करने में कामयाब रहे, जिसका नाम है उज्जवल कर जो मिस्टर बच्चन फिल्म थी ना रवि तेजा की। उसके बाद यहाँ पर म्यूजिक की बात करें तो मिक्की जे मियर ने इस फिल्म को म्यूजिक वगैरह दिया हुआ था। प्रोडक्शन कंपनी पीपल मीडिया फैक्ट्री, टी सीरीज फिल्म और यहाँ पर पनोरमा स्टूडियोज के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात करें तो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट जो कंपनी कर रही थी ऑल ओवर द इंडिया और वो थी मैत्री मूवी मेकर। जी हाँ, सो मैत्री मूवी मेकर जो फिल्म थी ना इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी ऑल ओवर द इंडिया, यानी ऑल ओवर द इंडिया इस फिल्म को रिलीज़ करवा रही थी। जो भी काम वगैरह था ना वो मैत्री मूवी मेकर वालों ने किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में और इस फिल्म के जो जी के रनिंग टाइम की तो 160 मिनट का इस फिल्म को रनिंग टाइम दिया हुआ था। जो कि जब इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज़ करवाया गया तो ऑडियंस की जो कि डिमांड थी कि ये बहुत बड़ी लंबी लेंथ वाली फिल्म है और बोरिंग फिल्म है, तो यहाँ पर उन्होंने 11 मिनट्स का एक कट लगाया हुआ था। उसके बाद भी इस फिल्म को ऑडियंस ने पसंद नहीं किया और यहाँ पर इस फिल्म का बजट था 70 करोड़ और जिसमें इस फिल्म ने सिर्फ 10% की भी रिकवरी नहीं कर पाई और फिल्म ने जो कि देखा जाए तो 7 करोड़ का कलेक्शन किया और यहां पर जो कि 10% की रिकवरी तो की है, लेकिन यहां पर बता दूं जो कि 70 करोड़ के बजट में यानी 70 करोड़ के बजट में बनाई गई फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ का कलेक्शन किया और ये बॉक्सेस पर बहुत ही बड़ी डिजास्टर और फ्लॉप फिल्म रही। जी हां, सो देखा जाए तो रवि तेजा के कैरियर की सबसे बड़ी जो कि सबसे डिजास्टर फिल्म है ना जो है वो मिस्टर बच्चन। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें फिल्म के थोड़ा सा डिटेलिंग के ऊपर तो यहाँ पर फिल्म को ऑफिशियली जो कि इंस्पायर्ड किया हुआ था जैसे मैं आपको बताया है ना रियल लाइफ से, और यहाँ पर ये रेड फिल्म थी जो अजय देवगन की फिल्म थी उसी फिल्म से इस फिल्म को ऑफिशियली रीमेक किया हुआ था और यहाँ पर जो कि स्टोरी वगैरह को भी उसी फिल्म से जो कि ऑफिशियली कॉपी वगैरह किया हुआ था। अब यहाँ पर जो कि बात करें इस फिल्म के जो कि बारे में कास्ट के बारे में तो यहाँ पर जो कि मिस्टर बच्चन का रोल प्ले किया हुआ यहाँ पर रवि तेजा यानी जो कि टैक्स ऑफिसर का यानी इनकम टैक्स ऑफिसर का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो कि भाग्यश्री बोस इस फिल्म के अंदर चिक्की का रोल प्ले किया हुआ है जो यहाँ पर रवि तेजा की लवर भी बोल सकते हैं या फिर उनकी गर्लफ्रेंड या फिर उनकी वाइफ का भी रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर है जगपति बाबू दो मुत्यम जागिया का रोल प्ले किया है। उसके बाद यहाँ पर तलकीना भरानी है जो राम जागर ठाकुर का रोल प्ले किया। उसके बाद गौतमी है जो बास्ती का रोल प्ले किया। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो जो कि सुभा लेखा सुधाकर है जो पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया है। सत्या इस फिल्म के अंदर जिसकी इसके लवर का रोल प्ले किया हुआ है जो यहाँ पर सचिन गिडे का नाम वो पंकज का रोल प्ले करते दिखाई दिए। यहाँ पर झांसी है जो यहाँ झांसी का रोल प्ले किया। सुदर्शन इस फिल्म के अंदर जो कि ऑस्ट्रा मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सत्यम जो कि राजेश हैं आनंद के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम इस फिल्म की बात करें तो आगे जैसे बताया हुआ ना जो कि उसके बाद यहाँ पर आदू लक्कलम जो कि नरेश हैं जो सीएम का रोल प्ले कर रहे हैं, चमक चंद्रा हैं। उसके बाद यहाँ पर अन्नापूर्णा स्टोरिंग में। उसके बाद यहाँ पर प्रभात सिन्हा श्रीनिवास का रोल प्ले कर रहे हैं। गौतम राजू है जो यहाँ पर राजू का रोल प्ले किया है। जो कि बाबू मोहन है इस फिल्म के अंदर पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अजय रत्नम है, VS रवि हैं। उसके बाद यहाँ पर कल्याणी नटराजन है जो जिक्कीस की मादर का रोल प्ले किया है। शिल्पा है जो चक्रवर्ती इस फिल्म के अंदर भी देखने को मिली है। मायरा खान इस फिल्म का जो कि चिन्ना केसवा का की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर नागेश महेश इस फिल्म के अंदर जग्गा राव का रोल प्ले किया हुआ। वजा वंकट
इस फिल्म के अंदर बालू का रोल प्ले करते दिखाया दिया सिद्धू जो जो इस फिल्म के अंदर है ना वो यूथ युवराज का रोल प्ले किया जो इस फिल्म के अंदर कैमियो अपीयरेंस में देखने को मिल जाते हैं। डीएसपी इस फिल्म के अंदर जो नालनचू सोंग तारा उसके अंदर एक कैमियो अपीयरेंस में देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये सारी कास्ट है इस फिल्म के अंदर जो देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर जो के देखने को मिली है वो सारा कुछ इस फिल्म के अंदर रोल जो उनको कास्ट डायरेक्टर की तरफ से मिला हुआ था, तो उन्होंने रोल प्ले वगैरह किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें स्टोरी दिखाई जाती है आनंद की, यानी जो मिस्टर बच्चन का रोल प्ले कर दिखाई दिए जो यहाँ पर रवि तेजा प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो एक अनेस्ट और इनकम जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर का एक ईमानदार ऑफिसर है, और यहाँ पर वो ऐसे लोगों के घर में जो कि यानी रेड मारता है जिनके ऊपर जो कि वो एक पॉलिटिशियन होते हैं या बड़े जो कि देखा था तो बिजनेसमैन भी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर काला पैसा काफ़ी सारा होता है। इसी वजह से वो उनके घर के ऊपर जो कि पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन करता है, फिर उनके घर पर जो कि छापा मारता है, जो भी उनकी जो काला पैसा होता है ना वो उनको निकालता है और फिर जो कि रेड वगैरह मार के सारा पैसा लेके जाता है। इस तरह करते करते उसके काफ़ी सारे दुश्मन बन जाते हैं, जिनमें से यहाँ पर जो कि उनका एक बहुत बड़ा जिसमें बन जाता है मोतियम जगिया जो इस फिल्म के अंदर दिखाया हुआ है, और वो जो कि उसके ऊपर काफ़ी सारा गुस्सा होता है और उससे जो कि मारना चाहता है। आखिर क्यों मारना चाहता है, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो आपको फिल्म में दिखाया जाएगा। और साथ ही ये भी दिखाया जाता है यहाँ पर जो कि जो आनंद है ना वो जो कि जिक्की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसका जो कि लवर बन चुका है, जिक्की भी उससे प्यार करने लग चुकी है, उससे वो की शादी कैसे होती है और उसकी शादी में कितनी सारी रुकावटें आती हैं वो सारा कुछ आपको वो भी इस फिल्म के अंदर दिखाया जाएगा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तो ये स्टोरी वगैरह थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर गाने वगैरह की बात करें, टोटल इस फिल्म के चार गाने, चारों गानों की लेंथ है 16 मिनट 9 सेकेंड। उसके बाद ये सारे गाने आपको तेलुगु सीरीज टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर रिलीज़ वगैरह की बात करें तो यहाँ पर पहले भी बता चुके 15 अगस्त 2024 फिल्म को रिलीज़ करवाया होता है, जहाँ पर यह फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर और फ्लॉप फिल्म रही थी। उसके बाद यहाँ पर हिंदी वेरियंट की बात करें या फिर ओ टी टी प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर 12 सितंबर यानी 12 सितंबर 2024 फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया था, जहाँ पर यह फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में ही रिलीज़ हुई थी। हिंदी वर्जन अभी तक इस फिल्म का जो कि रिलीज़ वगैरह नहीं करवाया गया था, जिसको हिंदी के बारे में जो भी अपडेट्स आएंगी वो सारा कुछ इसी चैनल पर ही मिलेंगी। अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें। इस फिल्म को देखना है तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर जो कि साउथ लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी और वहाँ पर आप दोस्त जाके इन्जॉय कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते। वेलकम बैक द अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन मूवी के बारे में। जी हाँ, सो मिस्टर बच्चन जो फिल्म है ना 2024 में रिलीज़ की गई थी, तो फाइनली अब आप दोस्त इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में कहाँ पे और कैसे इस फिल्म को वॉच कर सकते हो, किस तरह की ये फिल्म होने वाली है और आप दोस्त इस फिल्म को हिंदी में वो भी फ्रीली और ऑफिशियली वो भी अपने मोबाइल में कैसे देख सकती हो, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया हुआ तो कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को आपने लाजमी ऑन करना है, क्योंकि जो भी न्यू मूवीज आती हैं उनके बारे में अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आपने सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है, क्योंकि जो भी न्यू मूवी आएगी उसी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी वो जो कि जानने के लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा। जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर ज़्यादा हम बात नहीं करते तो यहाँ पर हम बात करें मिस्टर बच्चन मूवी की। तो यहाँ पर ये 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन ड्रामा जोनर की फिल्म है और इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था 15 अगस्त 2024 में, यानी 15 अगस्त 2024 में इस फिल्म को इंडिपेंडेंस डे के फेस्टिवल या इंडिपेंडेंस डे के दिन पर ही रिलीज़ करवाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें फिल्म के बारे में, तो फिल्म के डायरेक्टर हैं हरीश शंकर, जो इससे पहले काफ़ी अच्छी फिल्में भी बना चुके हैं, बट यहाँ पर जो ये उनकी फिल्म थी ना मिस्टर बच्चन, जो कि ये फिल्म बॉक्सेस पर जो कि फ़्लॉप ही रही। और यहाँ पर ये जो कि ख़ास बात इस फिल्म की ये भी है जिसकी वजह से फ़्लॉप रही, क्योंकि इस फिल्म की जो स्टोरी वगैरह थी ना वो रीमेक थी, यानी जो कि अजय देवगन की फिल्म आपने जो कि देखी होगी रेड फिल्म को, उसी फिल्म से इस फिल्म को ऑफिशियली जो कि रीमेक किया हुआ था तेलुगु लैंग्वेज के अंदर, जहाँ पर इस फिल्म को तेलुगु में ही रिलीज़ करवाया गया था।
अब यहाँ पर इस फिल्म के लिए हिंदी ऑडियंस वेट कर रही है क्योंकि रवि तेजा के भी काफ़ी सारे फैंस हैं जो उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं, तो उसी वजह से इस फिल्म का भी काफ़ी सारी ऑडियंस वेट कर रही है, देखना चाहती है इस फिल्म को। इसीलिए जो भी अपडेट्स आई हैं वो सारा आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर बता दूँ चुके इस फिल्म को रेटिंग वगैरह जो मिली हुई है 10/3.6 की मिली हुई है, जो कि रेटिंग भी एवरेज ही है, और ये एक फ्लॉप रेटिंग मिली हुई है इस फिल्म को, एवरेज और फ्लॉप रेटिंग दी गई है जो कि गूगल के ऊपर ऑडियंस की तरफ से। लीड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं मिस्टर जो कि देखा जाए तो रवि तेजा, उसके बाद यहाँ पर भाग्यश्री बोर्स, उसके बाद यहाँ पर जो कि सिद्धू जुगनाल गादू जो है ना यहाँ पर जो कि कैमरे पर इसमें देखने को मिल जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर जगपति बाबू हैं, भवन्यू सिंह हैं, शुभलेखा सुधाकर हैं, सचिन गिड़ेकर हैं, और भी काफ़ी सारी स्पोर्टिंग कास्ट है जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर बता दूँ चुके मिस्टर बच्चन, जैसे मैंने आपको ऑफिशियली बताया हुआ है ना, पहले भी बताया कि मिस्टर बच्चन जो फिल्म है ना 2024 में रिलीज़ की गई, जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा एक्शन जोनर की फिल्म थी, राइट और डायरेक्ट किया हुआ था हरिशंकर ने, और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह जो किया था टी जी विष्णु प्रसाद ने, और यहाँ पर विवेक कुची बोतला ने और भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और अभिषेक पटाक ने मिलकर, और यहाँ पर कुमार मगनाथ पटाक ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। अंडर द बैनर फिल्म जैसे पीपल मीडिया फैक्ट्री, तीसरी इस फिल्म, उसके बाद यहाँ पर पनोरमा जो के स्टूडियोज़ के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था, यानी इस फिल्म के ऊपर जो भी खर्चा लगा हुआ था, जो भी इस फिल्म को बनाने के लिए रकम दी गई थी या जो भी पैसा लगा हुआ था, इन सब जो कंपनियों के थ्रू और इन सब प्रोड्यूसर वगैरह ने मिलकर इस फिल्म के ऊपर पैसा वगैरह लगाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ चुके इस फिल्म को, जैसे बताया हुआ था यहाँ पर हरिशंकर ने इस फिल्म को जो कि डायरेक्ट किया हुआ था। राइट की बात करें तो स्टोरी को वैसे जो कि रेड जो थी ना उसी फिल्म को जो कि ऑफिशियली रिमेक किया हुआ था, तो उसी स्टोरी को जो कि उन्होंने तेलुगु लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ था, डायलाग्स वगैरह तेलुगु में लिखे हुए थे, थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह करके। उसके बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो श्री सतीश वेगनेसा ने जो कि इस फिल्म के स्क्रीन प्ले में हेल्प की हुई थी, रमेश रेड्डी, प्रवीण वर्मा, और उसके बाद जो कि दत्रिया और इसके बाद तानवी कैसरी ने मिलकर स्क्रीन प्ले में जो कि हेल्प वगैरह की हुई थी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में तो रितेश शाह इस फिल्म के जो कि ऑफिशियली जो राइटर वगैरह थे, यानी रेड फिल्म को जो कि स्टोरी वगैरह को लिखा हुआ था, तो वो भी इस फिल्म के राइटर वगैरह हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो यहाँ पर जो कि अनियंका बोस ने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की हुई थी, उज्ज्वल करकरनी ने इस फिल्म को एडिट किया हुआ था। तो उज्ज्वल करकरनी को आजकल जो कि काफ़ी सारे लोग जानते हैं क्योंकि उन्होंने KGF चैप्टर 2 मूवी को जो कि एडिट किया हुआ था, उसके बाद उन्होंने जो सालार 2 मूवी को भी एडिट किया था, तो उनकी ये तीसरी फिल्म थी जिसको वो एडिट करने में कामयाब रहे, जिसका नाम है उज्जवल कर जो मिस्टर बच्चन फिल्म थी ना रवि तेजा की। उसके बाद यहाँ पर म्यूजिक की बात करें तो मिक्की जे मियर ने इनको म्यूजिक वगैरह दिया हुआ था, प्रोडक्शन कंपनी पीपल मीडिया फैक्ट्री, तीसरी फिल्म और यहाँ पर पनोरमा स्टूडियोज के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात करें तो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट जो कंपनी कर रही थी ऑल ओवर द इंडिया, और वो थी मैत्री मूवी मेकर। जी हाँ, सो मैत्री मूवी मेकर जो फिल्म थी ना इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी ऑल ओवर द इंडिया, यानी ऑल ओवर द इंडिया इस फिल्म को रिलीज़ करवा रही थी, जो भी काम वगैरह था ना वो मैत्री मूवी मेकर वालों ने किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में और इस फिल्म के जो जी के रनिंग टाइम की, तो 160 मिनट का इस फिल्म को रनिंग टाइम दिया हुआ था, जो कि जब इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज़ करवाया गया तो ऑडियंस की जो कि डिमांड थी कि ये बहुत बड़ी लंबी लेंथ वाली फिल्म है और बोरिंग फिल्म है, तो यहाँ पर उन्होंने 11 मिनट्स का एक कट लगाया हुआ था। उसके बाद भी इस फिल्म को ऑडियंस ने पसंद नहीं किया और यहाँ पर इस फिल्म का बजट था 70 करोड़, और जिसमें इस फिल्म ने सिर्फ 10% की भी रिकवरी नहीं कर पाई, और फिल्म ने जो कि देखा जाए तो 7 करोड़ का कलेक्शन किया, और यहाँ पर जो कि 10% की रिकवरी तो की है, लेकिन यहाँ पर बता दूँ जो कि 70 करोड़ के बजट में, यानी 70 करोड़ के बजट में बनाई गई फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ का कलेक्शन किया, और ये बॉक्सेस पर बहुत ही बड़ी डिजास्टर और फ्लॉप फिल्म रही। जी हाँ, सो देखा जाए तो रवि तेजा के कैरियर की सबसे बड़ी जो कि सबसे डिजास्टर फिल्म है ना जो है वो मिस्टर बच्चन।
उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के थोड़ा सा डिटेलिंग के ऊपर, तो यहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशियली जो कि इंस्पायर्ड किया हुआ था जैसा मैं आपको बताया है ना रियल लाइफ से, और यहाँ पर ये रेड फिल्म थी जो अजय देवगन की फिल्म थी उसी फिल्म से इस फिल्म को ऑफिशियली रीमेक किया हुआ था, और यहाँ पर जो कि स्टोरी वगैरह को भी उसी फिल्म से जो कि ऑफिशियली कॉपी वगैरह किया हुआ था। अब यहाँ पर जो कि बात करें इस फिल्म के जो कि बारे में इस कास्ट के बारे में, तो यहाँ पर जो कि मिस्टर बच्चन का रोल प्ले किया हुआ यहाँ पर रवि तेजा यानी जो कि टैक्स ऑफिसर का यानी इनकम टैक्स ऑफिसर का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर है जो कि भाग्यश्री बोस इस फिल्म के अंदर जिक्की का रोल प्ले किया हुआ है जो यहाँ पर रवि तेजा की लवर भी बोल सकते हैं या फिर उनकी गर्लफ्रेंड या फिर उनकी वाइफ का भी रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर है जगपति बाबू दो मुत्यम जागिया का रोल प्ले किया है। उसके बाद यहाँ पर तलकीना भरानी है जो राम जागर ठाकुर का रोल प्ले किया। उसके बाद गौतमी है जो बास्ती का रोल प्ले किया। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो जो कि सुभा लेखा सुधाकर है जो पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया है सत्या इस फिल्म के अंदर, जिसकी इसके लवर का रोल प्ले किया हुआ है जो यहाँ पर सचिन गिड़े का नाम वो पंकज का रोल प्ले करते दिखाई दिए। यहाँ पर झांसी है जो यहाँ झांसी का रोल प्ले किया, सुदर्शन इस फिल्म के अंदर जो कि ऑस्ट्रा मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सत्यम जो कि राजेश हैं आनंद के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम इस फिल्म की बात करें तो आगे जैसे बताया हुआ ना जो कि उसके बाद यहाँ पर आदुल कलम जो कि नरेश हैं जो सीएम का रोल प्ले कर रहे हैं, चमक चंद्रा हैं। उसके बाद यहाँ पर अन्नापूर्णा स्टोरिंग में, उसके बाद यहाँ पर प्रभात सिंह है श्रीनिवास का रोल प्ले कर रहे हैं, गौतम राजू है जो यहाँ पर राजू का रोल प्ले किया है, जो कि बाबू मोहन है इस फिल्म के अंदर पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अजय रत्नम है, वी एस रवि हैं। उसके बाद यहाँ पर कल्याणी नटराजन है जो जिक्कीस की मादर का रोल प्ले किया, शिल्पा है जो चक्रवर्ती इस फिल्म के अंदर भी देखने को मिली है, मायरा खान इस फिल्म का जो कि चिन्ना केशवा का की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर नागेश महेश इस फिल्म के अंदर जग्गा राव का रोल प्ले किया हुआ, वजा वेंकट इस फिल्म के अंदर बालू का रोल प्ले करते दिखाई दिया, सिद्धू जो इस फिल्म के अंदर है ना वो यूथ युवराज का रोल प्ले किया जो इस फिल्म के अंदर कैमियो अपीयरेंस में देखने को मिल जाते हैं, डीएसपी इस फिल्म के अंदर जो नालनचू सोंगदाना उसके अंदर एक कैमियो अपीयरेंस में देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये सारी कास्ट है इस फिल्म के अंदर जो देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर जो कि देखने को मिली है वो सारा कुछ इस फिल्म के अंदर रोल जो उनको कास्ट डायरेक्टर की तरफ से मिला हुआ था तो उन्होंने रोल प्ले वगैरह किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें स्टोरी दिखाई जाती है आनंद की यानी जो मिस्टर बच्चन का रोल प्ले कर दिखाई दिए जो यहाँ पर रवि तेजा प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो एक अनेस्ट और इनकम जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर का एक ईमानदार ऑफिसर है, और यहाँ पर वो ऐसे लोगों के घर में जो कि यानी रेड मारता है जिनके ऊपर जो कि वो एक पॉलिटिशियन होते हैं या बड़े जो कि देखा जाए तो बिजनेसमैन भी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर काला पैसा काफ़ी सारा होता है, इसी वजह से वो उनके घर के ऊपर जो कि पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन करता है फिर उनके घर पर जो कि छापा मारता है, जो भी उनकी जो काला पैसा होता है ना वो उनको निकालता है और फिर जो कि रेड वगैरह मार के सारा पैसा लेके जाता है। इस तरह करते करते उसके काफ़ी सारे दुश्मन बन जाते हैं जिनमें से यहाँ पर जो कि उनका एक बहुत बड़ा जिसमें बन जाता है मोतियम जगिया जो इस फिल्म के अंदर दिखाया हुआ है, और वो जो कि उसके ऊपर काफ़ी सारा गुस्सा होता है और उससे जो कि मारना चाहता है, आखिर क्यों मारना चाहता है, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो आपको फिल्म में दिखाया जाएगा। और साथ ही ये भी दिखाया जाता है यहाँ पर जो कि जो आनंद है ना वो जो कि जिक्की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसका जो कि लवर बन चुका है, जिक्की भी उससे प्यार करने लग चुकी है, उससे वो की शादी कैसे होती है और उसकी शादी में कितनी सारी रुकावटें आती हैं वो सारा कुछ आपको वो भी इस फिल्म के अंदर दिखाया जाएगा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तो ये स्टोरी वगैरह थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर गाने वगैरह की बात करें, टोटल इस फिल्म के चार गाने, चारों गानों की लेंथ है 16 मिनट 9 सेकंड। उसके बाद ये सारे गाने आपको तेलुगु सीरीज टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर रिलीज वगैरह की बात करें तो यहाँ पर पहले भी बता चुका हूँ 15 अगस्त 2024 फिल्म को रिलीज करवाया होता है, जहाँ पर यह फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर और फ्लॉप फिल्म रही थी। उसके बाद यहाँ पर हिंदी वेरियंट की बात करें या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहां पर 12 सितंबर यानी 12 सितंबर को 2024 में फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली रिलीज करवा दिया गया था, जहां पर यह फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में ही रिलीज हुई थी। हिंदी वर्जन अभी तक इस फिल्म का जो कि रिलीज वगैरह नहीं करवाया गया था, जिसको हिंदी के बारे में जो भी अपडेट्स आएंगी वो सारा कुछ इसी चैनल पर ही मिलेंगी। अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें। इस फिल्म को देखना है तो यह फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर जो कि साउथ लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी और वहां पर आप दोस्त जाके एंजॉय कर सकते हो और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते।
वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन मूवी के बारे में। जी हाँ, सो मिस्टर बच्चन जो फिल्म है ना 2024 में रिलीज़ की गई थी, तो फाइनली अब आप दोस्त इस इनको हिंदी लैंग्वेज में कहाँ पे और कैसे इस इनको वॉच कर सकते हो, किस तरह की ये फिल्म होने वाली है और आप दोस्त इस फिल्म को हिंदी में वो भी फ्रीली और ऑफिशियली वो भी अपने मोबाइल में कैसे देख सकती हो, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया हुआ तो कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को आपने लाजमी ऑन करना है, क्योंकि जो भी न्यू मूवीज आती हैं उनके बारे में अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आपने सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है, क्योंकि जो भी न्यू मूवी अब आएगी उसी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी वो जो कि जानने के लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा। जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर ज़्यादा हम बात नहीं करते, तो यहाँ पर हम बात करें मिस्टर बच्चन मूवी की। तो यहाँ पर ये 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन ड्रामा जॉनर की फिल्म है और इसे इनको रिलीज़ करवाया गया था 15 अगस्त 2024 में, यानी 15 अगस्त 2024 में इसे इनको इंडिपेंडेंस डे के फेस्टिवल या इंडिपेंडेंस डे के दिन पर ही रिलीज़ करवाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें फिल्म के बारे में, तो फिल्म के डायरेक्टर हैं हरीश शंकर, जो इससे पहले काफ़ी अच्छी फिल्में भी बना चुके हैं, बट यहाँ पर जो ये उनकी फिल्म थी ना मिस्टर बच्चन, जो कि ये फिल्म बॉक्सेस पर जो कि फ्लॉप ही रही। और यहाँ पर ये जो कि ख़ास बात इस फिल्म की ये भी है जिसकी वजह से फ़्लॉप रही, क्योंकि फिल्म की जो स्टोरी वगैरह थी ना वो रीमेक थी, यानी जो कि अजय देवगन की फिल्म आपने जो कि देखी होगी रेड फिल्म को, उसी फिल्म से इस फिल्म को ऑफिशियली जो कि रीमेक किया हुआ था तेलुगु लैंग्वेज के अंदर, जहाँ पर इस फिल्म को तेलुगु में ही रिलीज़ करवाया गया था। अब यहाँ पर इस फिल्म के लिए हिंदी ऑडियंस वेट कर रही है, क्योंकि रवि तेजा के भी काफ़ी सारे फैंस हैं जो उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं, तो उसी वजह से इस फिल्म काफ़ी सारी ऑडियंस वेट कर रही है, देखना चाहती है इस फिल्म को, इसीलिए जो भी अपडेट्स आई हैं वो सारा आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर बता दूँ जो कि इस फिल्म को रेटिंग वगैरह जो मिली हुई है 10/3.6 की मिली हुई है, जो कि रेटिंग भी एवरेज ही है और ये फ्लॉप रेटिंग मिली हुई है इस फिल्म को, एवरेज और फ्लॉप रेटिंग दी गई है जो कि गूगल के ऊपर ऑडियंस की तरफ से। लीड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं मिस्टर जो कि देखा जाए तो रवि तेजा, उसके बाद यहाँ पर भाग्यश्री बोर्स, उसके बाद यहाँ पर जो कि सिद्धू जुगनाल गादू जो है ना यहाँ पर जो कि कैमरे पर इसमें देखने को मिल जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर जगपति बाबू हैं, भुवनु सिंह हैं, शुभलेखा सुधाकर हैं, सचिन गिड़ेकर हैं और भी काफ़ी सारी स्पोर्टिंग कास्ट है जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर बता दो चुके मिस्टर बच्चन, जैसे मैंने आपको ऑफिशियली बताया हुआ है ना, पहले भी बताया कि मिस्टर बच्चन जो फिल्म है ना 2024 में रिलीज़ की गई, जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा एक्शन जोनर की फिल्म थी, राइट और डायरेक्ट किया था हरिशंकर ने और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह जो किया था TG विष्णु प्रसाद ने और यहाँ पर विवेक कुची बोतला ने और भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और अभिषेक पटाख ने मिलकर और यहाँ पर कुमार मगनाथ पटाख ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। अंडर द बैनर फिल्म जैसे पीपल मीडिया फैक्ट्री तीसरी इस फिल्म और उसके बाद यहाँ पर पनोरमा जो कि स्टूडियोज़ के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया होता, यानी इस फिल्म के ऊपर जो भी खर्चा लगा हुआ था, जो भी इस फिल्म को बनाने के लिए रकम दी गई थी या जो भी पैसा लगा हुआ था, इन सब जो कंपनियों के थ्रू और इन सब प्रोड्यूसर वगैरह ने मिलकर इस फिल्म के ऊपर पैसा वगैरह लगाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ जो कि इस फिल्म को जैसे बताया हुआ था यहाँ पर हरिशंकर ने फिल्म को जो कि डायरेक्ट किया हुआ था। राइट की बात करें तो स्टोरी को वैसे जो कि रेड जो थी ना उसी फिल्म को जो कि ऑफिशियली रीमेक किया हुआ था, तो उसी स्टोरी को जो कि उन्होंने तेलुगु लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ था, डायलॉग्स वगैरह तेलुगु में लिखे हुए थे, थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह करके। उसके बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो श्री सतीश वेगनेसा ने जो कि इस फिल्म के स्क्रीन प्ले में हेल्प की हुई थी, रमेश रेड्डी, प्रवीण वर्मा और उसके बाद जो कि दत्रिया और इसके बाद तानवी कैसरी ने मिलकर स्क्रीन प्ले में जो कि हेल्प वगैरह की हुई थी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में, तो रितेश शाह इस फिल्म के जो कि ऑफिशियली जो राइटर वगैरह थे, यानी रेड फिल्म को जो कि स्टोरी वगैरह को लिखा हुआ था, तो वो भी इस फिल्म के राइटर वगैरह हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो यहाँ पर जो कि अनियंका बोस ने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की हुई थी, उज्ज्वल करकर्णी ने इस फिल्म को एडिट किया हुआ था। तो उज्ज्वल करकर्णी को आजकल जो कि काफ़ी सारे लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने KGF Chapter 2 मूवी को जो कि एडिट किया हुआ था, उसके बाद उन्होंने जो
के सालार 2 मूवी को भी एडिट किया था, तो उनकी ये तीसरी फिल्म थी जिसको वो एडिट करने में कामयाब रहे, जिसका नाम है उज्जवल कर, जो मिस्टर बच्चन फिल्म थी ना रवि तेजा की। उसके बाद यहाँ पर म्यूज़िक की बात करें तो मिक्की जे मियर ने इसको म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था। प्रोडक्शन कंपनी पीपल मीडिया फैक्ट्री की टी सीरीज फिल्म और यहाँ पर पनोरमा स्टूडियोज़ के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात करें तो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट जो कंपनी कर रही थी ऑल ओवर द इंडिया, और वो थी मैत्री मूवी मेकर। जी हाँ, सो मैत्री मूवी मेकर जो फिल्म थी ना, इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी ऑल ओवर द इंडिया, यानी ऑल ओवर द इंडिया इस फिल्म को रिलीज़ करवा रही थी। जो भी काम वगैरह था ना, वो मैत्री मूवी मेकर वालों ने किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में और इस फिल्म के जो जी के रनिंग टाइम की, तो 160 मिनट का इस फिल्म को रनिंग टाइम दिया हुआ था। जो कि जब इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज़ करवाया गया तो ऑडियंस की जो कि डिमांड थी कि ये बहुत बड़ी लंबी लेंथ वाली फिल्म है और बोरिंग फिल्म है, तो यहाँ पर उन्होंने 11 मिनट्स का एक कट लगाया हुआ था। उसके बाद भी इस फिल्म को ऑडियंस ने पसंद नहीं किया और यहाँ पर इस फिल्म का बजट था 70 करोड़, और जिसमें इस फिल्म ने सिर्फ 10% की भी रिकवरी नहीं कर पाया, और फिल्म ने जो कि देखा जाए तो 7 करोड़ का कलेक्शन किया, और यहां पर जो कि 10% की रिकवरी तो की है, लेकिन यहां पर बता दूं जो कि 70 करोड़ के बजट में, यानी 70 करोड़ के बजट में बनाई गई फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ का कलेक्शन किया, और ये बॉक्सेस पर बहुत ही बड़ी डिजास्टर और फ्लॉप फिल्म रही। जी हां, सो देखा जाए तो रवि तेजा के कैरियर की सबसे बड़ी जो कि सबसे डिजास्टर फिल्म है ना, जो है वो मिस्टर बच्चन। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें फिल्म के थोड़ा सा डिटेलिंग के ऊपर, तो यहाँ पर फिल्म को ऑफिशियली जो कि इंस्पायर्ड किया हुआ था, जैसे मैं आपको बताया है ना, रियल लाइफ से, और यहाँ पर ये रेड फिल्म थी जो अजय देवगन की फिल्म थी, उसी फिल्म से इस फिल्म को ऑफिशियली रीमेक किया हुआ था, और यहाँ पर जो कि स्टोरी वगैरह को भी उसी फिल्म से जो कि ऑफिशियली कॉपी वगैरह किया हुआ था। अब यहाँ पर जो कि बात करें फिल्म के जो कि बारे में, कास्ट के बारे में, तो यहाँ पर जो कि मिस्टर बच्चन का रोल प्ले किया हुआ यहाँ पर रवि तेजा, यानी जो कि टैक्स ऑफ ऑफिसर का, यानी इनकम टैक्स ऑफिसर का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर है जो कि भाग्यश्री बोस इस फिल्म के अंदर चिक्की का रोल प्ले किया हुआ है, जो यहाँ पर रवि तेजा की लवर भी बोल सकते हैं, या फिर उनकी गर्लफ्रेंड, या फिर उनकी वाइफ का भी रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर है जगपति बाबू दो मुत्यम जागिया का रोल प्ले किया। उसके बाद यहाँ पर तलकीना भरानी है जो राम जागर ठाकुर का रोल प्ले किया। उसके बाद गौतमी है जो बास्ती का रोल प्ले किया। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो जो कि सुभा लेखा सुधाकर है जो पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया हुआ है सत्या इस फिल्म के अंदर, जिसकी इसके लवर का रोल प्ले किया हुआ है, जो यहाँ पर सचिन गिडेकर ना वो पंकज का रोल प्ले करते दिखाई दिए। यहाँ पर झांसी है जो यहाँ झांसी का रोल प्ले किया, सुदर्शन इस फिल्म के अंदर जो कि ऑस्ट्रा मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सत्यम जो कि राजेश हैं आनंद के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम इस फिल्म की बात करें तो आगे जैसे बताया हुआ ना जो कि उसके बाद यहाँ पर आदुल कलम जो कि नरेश हैं जो सीएम का रोल प्ले कर रहे हैं, चमक चंद्रा हैं। उसके बाद यहाँ पर अन्नापूर्णा स्टोरिंग में, उसके बाद यहाँ पर प्रभात सिन्हू है श्रीनिवास का रोल प्ले कर रहे हैं, गौतम राजू है जो यहाँ पर राजू का रोल प्ले किया है, जो कि बाबू मोहन है इस फिल्म के अंदर पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अजय रत्नम है, वी एस रवि हैं। उसके बाद यहाँ पर कल्याणी नटराजन है जो जिक्कीस की मादर का रोल प्ले किया है, शिल्पा है जो चक्रवर्ती इस फिल्म के अंदर भी देखने को मिली है, मायरा खान इस फिल्म का जो कि चिन्ना केसवा का की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर नागेश महेश इस फिल्म के अंदर जग्गा राव का रोल प्ले किया हुआ, वजा वेंकट इस फिल्म के अंदर बालू का रोल प्ले करते दिखाई दिया, सिद्धू जो जो इस फिल्म के अंदर है ना वो यूथ युवराज का रोल प्ले किया जो इस फिल्म के अंदर कैमियो अपीयरेंस में देखने को मिल जाते हैं। डीएसपी इस फिल्म के अंदर जो नालनचू सोंग तारा उसके अंदर एक कैमियो अपीयरेंस में देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये सारी कास्ट है इस फिल्म के अंदर जो देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर जो कि देखने को मिली है वो सारा कुछ इस फिल्म के अंदर रोल जो उनको कास्ट डायरेक्टर की तरफ से मिला हुआ था, तो उन्होंने रोल प्ले वगैरह किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें स्टोरी दिखाई जाती है आनंद की, यानी जो मिस्टर बच्चन का रोल प्ले कर दिखाई दिए जो यहाँ पर रवि तेजा प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो एक अनेस्ट और इनकम जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर का एक ईमानदार ऑफिसर है, और यहाँ पर
वो ऐसे लोगों के घर में जो कि यानी रेड मारता है जिनके ऊपर जो कि वो एक पॉलिटिशियन होते हैं या बड़े जो कि देखा जाए तो बिजनेसमैन भी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर काला पैसा काफ़ी सारा होता है। इसी वजह से वो उनके घर के ऊपर जो कि पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन करता है, फिर उनके घर पर जो कि छापा मारता है, जो भी उनकी जो काला पैसा होता है ना वो उनको निकालता है और फिर जो कि रेड वगैरह मार के सारा पैसा लेके जाता है। इस तरह करते करते उसके काफ़ी सारे दुश्मन बन जाते हैं, जिनमें से यहाँ पर जो कि उनका एक बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है मोतियम जगिया, जो इस फिल्म के अंदर दिखाया हुआ है। और वो जो कि उसके ऊपर काफ़ी सारा गुस्सा होता है और उससे जो कि मारना चाहता है। आखिर क्यों मारना चाहता है, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, वो आपको फिल्म में दिखाया जाएगा। और साथ ही ये भी दिखाया जाता है यहाँ पर जो कि जो आनंद है ना वो जो कि जिक्की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसका जो कि लवर बन चुका है, जिक्की भी उसे प्यार करने लग चुकी है। उससे वो की शादी कैसे होती है, उसकी शादी में कितनी सारी रुकावटें आती हैं, वो सारा कुछ आपको वो भी इस फिल्म के अंदर दिखाया जाएगा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तो ये स्टोरी वगैरह थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर गाने वगैरह की बात करें, टोटल इस फिल्म के चार गाने, चारों गानों की लेंथ है 16 मिनट 9 सेकेंड। उसके बाद ये सारे गाने आपको तेलुगु सीरीज टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर रिलीज़ वगैरह की बात करें तो यहाँ पर पहले भी बता चुके 15 अगस्त 2024 फिल्म को रिलीज़ करवाया होता है, जहाँ पर यह फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर और फ्लॉप फिल्म रही थी। उसके बाद यहाँ पर हिंदी वेरियंट की बात करें या फिर ओ टी टी प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर 12 सितंबर यानी 12 सितंबर 2024 फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया था, जहाँ पर यह फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में ही रिलीज़ हुई थी। हिंदी वेरियंट अभी तक इस फिल्म का जो कि रिलीज़ वगैरह नहीं करवाया गया था। जिसको हिंदी के बारे में जो भी अपडेट्स आएंगी वो सारा कुछ इसी चैनल पर ही मिलेंगी। अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें। इस फिल्म को देखना है तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर जो कि साउथ लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी और वहाँ पर आप दोस्त जाके इन्जॉय कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते। वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन मूवी के बारे में। जी हाँ, सो मिस्टर बच्चन जो फिल्म है ना 2024 में रिलीज़ की गई थी, तो फाइनली अब आप दोस्त इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में कहाँ पे और कैसे इस फिल्म को वॉच कर सकते हो, किस तरह की ये फिल्म होने वाली है और आप दोस्त इस फिल्म को हिंदी में वो भी फ्रीली और ऑफिशियली वो भी अपने मोबाइल में कैसे देख सकती हो, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया हुआ तो कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को आपने लाजमी ऑन करना है, क्योंकि जो भी न्यू मूवीज़ आती हैं उनके बारे में अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आपने सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है, क्योंकि जो भी न्यू मूवी अब आएगी उसी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी वो जो कि जानने के लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा। जैसे मैं वीडियो डालूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर ज़्यादा हम बात नहीं करते तो यहाँ पर हम बात करें मिस्टर बच्चन मूवी की। तो यहाँ पर ये 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन ड्रामा जोनर की फिल्म है और इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था 15 अगस्त 2024 में, यानी 15 अगस्त 2024 में इस फिल्म को इंडिपेंडेंस डे के फेस्टिवल या इंडिपेंडेंस डे के दिन पर ही रिलीज़ करवाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में तो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं हरीश शंकर, जो इससे पहले काफ़ी अच्छी फिल्में भी बना चुके हैं, बट यहाँ पर जो ये उनकी फिल्म थी ना मिस्टर बच्चन, जो कि ये फिल्म बॉक्स पर जो कि फ़्लॉप ही रही। और यहाँ पर ये जो कि ख़ास बात इस फिल्म की ये भी है जिसकी वजह से फ़्लॉप रही, क्योंकि इस फिल्म की जो स्टोरी वगैरह थी ना वो रीमेक थी, यानी जो कि अजय देवगन की फिल्म आपने जो कि देखी होगी रेड फिल्म को, उसी फिल्म से इस फिल्म को ऑफिशियली जो कि रीमेक किया हुआ था तेलुगु लैंग्वेज के अंदर, जहाँ पर इस फिल्म को तेलुगु में ही रिलीज़ करवाया गया था। अब यहाँ पर इस फिल्म के लिए हिंदी ऑडियंस वेट कर रही है, क्योंकि रवि तेजा के भी काफ़ी सारे फैंस हैं जो उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं, तो उसी वजह से इस फिल्म का भी काफ़ी सारी ऑडियंस वेट कर रही है, देखना चाहती है इस फिल्म को। इसीलिए जो भी अपडेट्स आई हैं वो सारा आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर बता दूँ चुके इस फिल्म को रेटिंग वगैरह जो मिली हुई है 10/3.6 की मिली हुई है, जो कि रेटिंग भी एवरेज ही है और ये एक फ्लॉप रेटिंग मिली हुई है इस फिल्म को, एवरेज और फ्लॉप रेटिंग दी गई है जो कि गूगल के ऊपर ऑडियंस की तरफ से। लीड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं मिस्टर जो कि देखा जाए तो रवि तेजा, उसके बाद यहाँ पर भाग्यश्री बोर्स, उसके बाद यहाँ पर जो कि सिद्धू जुगनाल गादू जो है ना यहाँ पर जो कि कैमरे पर इसमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जगपति बाबू हैं, भविन्यू सिंह हैं, शुभलेखा सुधाकर हैं, सचिन गिड़ेकर हैं और भी काफ़ी सारी स्पोर्टिंग कास्ट है जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है।
आप यहाँ पर बता दो चुके मिस्टर बच्चन, जैसे मैंने आपको ऑफिशियली बताया हुआ है ना, पहले भी बताया कि मिस्टर बच्चन जो फिल्म है ना 2024 में रिलीज़ की गई चुके, ये एक तेलुगु लैंग्वेज की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा एक्शन जोनर की फिल्म थी। राइट और डायरेक्ट किया हुआ था हरिशंकर ने, और यहाँ पर एसन को प्रोड्यूस वगैरह जो किया था टी जी विष्णु प्रसाद ने, और यहाँ पर विवेक कुची बोतला ने, और भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और अभिषेक पटाक ने मिलकर, और यहाँ पर कुमार मगनाथ पटाक ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। अंडर द बैनर फिल्म जैसे पीपल मीडिया फैक्ट्री, तीसरी फिल्म, और उसके बाद यहाँ पर पनोरमा जो के स्टूडियोज़ के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। यानी इस फिल्म के ऊपर जो भी खर्चा लगा हुआ था, जो भी इस फिल्म को बनाने के लिए रकम दी गई थी या जो भी पैसा लगा हुआ था, इन सब जो कंपनियों के थ्रू और इन सब प्रोड्यूसर वगैरह ने मिलकर इस फिल्म के ऊपर पैसा वगैरह लगाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ चुके इस फिल्म को, जैसे बताया हुआ था यहाँ पर हरिशंकर ने इस फिल्म को जो कि डायरेक्ट किया हुआ था। राइट की बात करें तो स्टोरी को वैसे जो कि रेड जो थी ना उसी फिल्म को जो कि ऑफिशियली रिमेक किया हुआ था, तो उसी स्टोरी को जो कि उन्होंने तेलुगु लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ था, डायलाग्स वगैरह तेलुगु में लिखे हुए थे, थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह करके। उसके बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो श्री सतीश वेगनेसा ने जो कि इस फिल्म के स्क्रीन प्ले में हेल्प की हुई थी, रमेश रेड्डी, प्रवीण वर्मा, और उसके बाद जो कि दत्रिया, और इसके बाद तानवी कैसरी ने मिलकर स्क्रीन प्ले में जो कि हेल्प वगैरह की हुई थी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में तो रितेश शाह इस फिल्म के जो के ऑफिशियली जो राइटर वगैरह थे, यानी रेड फिल्म को जो के स्टोरी वगैरह को लिखा हुआ था, तो वो भी इस फिल्म के राइटर वगैरह हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो यहाँ पर जो के अनियंका बोस ने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की हुई थी, उज्ज्वल करकरनी ने इस फिल्म को एडिट किया हुआ था। तो उज्ज्वल करकरनी को आजकल जो के काफ़ी सारे लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने KGF चैप्टर 2 मूवी को जो के एडिट किया हुआ था, उसके बाद उन्होंने जो सालार 2 मूवी को भी एडिट किया था, तो उनकी ये तीसरी फिल्म थी जिसको वो एडिट करने में कामयाब रहे, जिसका नाम है उज्जवल कर जो मिस्टर बच्चन फिल्म थी ना रवि तेजा की। उसके बाद यहाँ पर म्यूजिक की बात करें तो मिक्की जे मियर ने इनको म्यूजिक वगैरह दिया हुआ था, प्रोडक्शन कंपनी पीपल मीडिया फैक्ट्री, टी सीरीज फिल्म, और यहाँ पर पनोरमा स्टूडियोज के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात करें तो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट जो कंपनी कर रही थी ऑल ओवर द इंडिया, और वो थी मैत्री मूवी मेकर। जी हाँ, सो मैत्री मूवी मेकर जो फिल्म थी ना इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी ऑल ओवर द इंडिया, यानी ऑल ओवर द इंडिया इस फिल्म को रिलीज़ करवा रही थी, जो भी काम वगैरह था ना वो मैत्री मूवी मेकर वालों ने किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में और इस फिल्म के जो जी के रनिंग टाइम की, तो 160 मिनट का इस फिल्म को रनिंग टाइम दिया हुआ था, जो कि जब इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज़ करवाया गया तो ऑडियंस की जो कि डिमांड थी कि ये बहुत बड़ी लंबी लेंथ वाली फिल्म है और बोरिंग फिल्म है, तो यहाँ पर उन्होंने 11 मिनट्स का एक कट लगाया हुआ था। उसके बाद भी इस फिल्म को ऑडियंस ने पसंद नहीं किया, और यहाँ पर इस फिल्म का बजट था 70 करोड़, और जिसमें इस फिल्म ने सिर्फ 10% की भी रिकवरी नहीं कर पाई, और फिल्म ने जो कि देखा जाए तो 7 करोड़ का कलेक्शन किया, और यहाँ पर जो कि 10% की रिकवरी तो की है, लेकिन यहाँ पर बता दूँ जो कि 70 करोड़ के बजट में, यानी 70 करोड़ के बजट में बनाई गई फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ का कलेक्शन किया, और ये बॉक्सेस पर बहुत ही बड़ी डिजास्टर और फ्लॉप फिल्म रही। जी हाँ, सो देखा जाए तो रवि तेजा के कैरियर की सबसे बड़ी जो कि सबसे डिजास्टर फिल्म है ना जो है वो मिस्टर बच्चन। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के थोड़ा सा डिटेलिंग के ऊपर, तो यहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशियली जो कि इंस्पायर्ड किया हुआ था जैसे मैं आपको बताया है ना रियल लाइफ से, और यहाँ पर ये रेड फिल्म थी जो अजय देवगन की फिल्म थी उसी फिल्म से इस फिल्म को ऑफिशियली रीमेक किया हुआ था, और यहाँ पर जो कि स्टोरी वगैरह को भी उसी फिल्म से जो कि ऑफिशियली कॉपी वगैरह किया हुआ था। अब यहाँ पर जो कि बात करें इस फिल्म के जो कि बारे में कास्ट के बारे में, तो यहाँ पर जो कि मिस्टर बच्चन का रोल प्ले किया हुआ यहाँ पर रवि तेजा, यानी जो कि टैक्स ऑफिसर का यानी इनकम टैक्स ऑफिसर का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो कि भाग्यश्री बोस इस फिल्म के अंदर चिक्की का रोल प्ले किया हुआ है, जो यहाँ पर रवि तेजा की लवर भी बोल सकते हैं या फिर उनकी गर्लफ्रेंड या फिर उनकी वाइफ का भी रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर है जगपति बाबू दो मोतियम जागिया का रोल प्ले किया है। उसके बाद यहाँ पर तलकीना भरानी है जो राम जागर ठाकुर का रोल प्ले किया, उसके बाद गौतमी है जो बास्ती का रोल प्ले किया। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो जो कि सुभा लेखा सुधाकर है जो पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया है सत्या इस फिल्म के अंदर, जिसकी इसके लवर का रोल प्ले किया हुआ है जो यहाँ पर सचिन गिड़े का नाम वो पंकज का रोल प्ले करते दिखाई दिए। यहाँ पर झांसी है जो यहाँ झांसी का रोल प्ले किया, सुदर्शन इस फिल्म के अंदर जो कि ऑस्ट्रा मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सत्यम जो कि राजेश हैं आनंद के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है।
उसके बाद यहाँ पर हम इस फिल्म की बात करें तो आगे जैसे बताया हुआ ना जो कि उसके बाद यहाँ पर आदू लक्कलम जो कि नरेश हैं जो सीएम का रोल प्ले कर रहे हैं, चमक चंद्रा हैं, उसके बाद यहाँ पर अन्नापूर्णा है स्टोरिंग में, उसके बाद यहाँ पर प्रभात सिंह है श्रीनिवास का रोल प्ले कर रहे हैं, गौतम राजू है जो यहाँ पर राजू का रोल प्ले किया है, जो कि बाबू मोहन है इस फिल्म के अंदर पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर अजय रत्नम है, वी एस रवि हैं, उसके बाद यहाँ पर कल्याणी नटराजन है जो जिक्की इसकी मादर का रोल प्ले किया है, शिल्पा है जो चक्रवर्ती इस फिल्म के अंदर भी देखने को मिली है, मायरा खान इस फिल्म का जो कि चिन्ना केशवा का की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर नागेश महेश इस फिल्म के अंदर जग्गा राव का रोल प्ले किया हुआ, वजा वेंकट इस फिल्म के अंदर बालू का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिया, सिद्धू जो जो इस फिल्म के अंदर है ना वो यूथ युवराज का रोल प्ले किया जो इस फिल्म के अंदर कैमियो अपीयरेंस में देखने को मिल जाते हैं, डीएसपी इस फिल्म के अंदर जो नालनचू सोंग ताना उसके अंदर एक कैमियो अपीयरेंस में देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये सारी कास्ट है इस फिल्म के अंदर जो देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर जो कि देखने को मिली है वो सारा कुछ इस फिल्म के अंदर रोल जो उनको कास्ट डायरेक्टर की तरफ से मिला हुआ था तो उन्होंने रोल प्ले वगैरह किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें स्टोरी दिखाई जाती है आनंद की, यानी जो मिस्टर बच्चन का रोल प्ले कर दिखाई दिए जो यहाँ पर रवि तेजा प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो एक अनेस्ट और इनकम जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर का एक ईमानदार ऑफिसर है और यहाँ पर वो ऐसे लोगों के घर में जो कि यानी रेड मारता है जिनके ऊपर जो कि वो एक पॉलिटिशियन होते हैं या बड़े जो कि देखा जाए तो बिजनेसमैन भी होते हैं क्योंकि उनके अंदर काला पैसा काफ़ी सारा होता है, इसी वजह से वो उनके घर के ऊपर जो कि पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन करता है फिर उनके घर पर जो कि छापा मारता है, जो भी उनकी जो काला पैसा होता है ना वो उनको निकालता है और फिर जो कि रेड वगैरह मार के सारा पैसा लेके जाता है। इस तरह करते करते उसके काफ़ी सारे दुश्मन बन जाते हैं जिनमें से यहाँ पर जो कि उनका एक बहुत बड़ा जिसमें बन जाता है मोतियम जगिया जो इस फिल्म के अंदर दिखाया हुआ है और वो जो कि उसके ऊपर काफ़ी सारा गुस्सा होता है और उससे जो कि मारना चाहता है, आखिर क्यों मारना चाहता है, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो आपको फिल्म में दिखाया जाएगा। और साथ ही ये भी दिखाया जाता है यहाँ पर जो कि जो आनंद है ना वो जो कि जिक्की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसका जो कि लवर बन चुका है, जिक्की भी उससे प्यार करने लग चुकी है, उससे वो की शादी कैसे होती है, उसकी शादी में कितनी सारी रुकावटें आती हैं, वो सारा कुछ आपको वो भी इस फिल्म के अंदर दिखाया जाएगा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तो ये स्टोरी वगैरह थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर गाने वगैरह की बात करें, टोटल इस फिल्म के चार गाने, चारों गानों की लेंथ है 16 मिनट 9 सेकंड। उसके बाद ये सारे गाने आपको तेलुगु सीरीज टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर रिलीज वगैरह की बात करें तो यहाँ पर पहले भी बता चुका हूँ 15 अगस्त 2024 फिल्म को रिलीज करवाया होता है जहाँ पर यह फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर और फ्लॉप फिल्म रही थी। उसके बाद यहाँ पर हिंदी वेरियंट की बात करें या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहां पर 12 सितंबर यानी 12 सितंबर को 2024 में फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली रिलीज करवा दिया गया था जहां पे ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में ही रिलीज हुई थी, हिंदी वर्जन अभी तक इस फिल्म का जो कि रिलीज वगैरह नहीं करवाया गया था। जिसको हिंदी के बारे में जो भी अपडेट्स आएंगी वो सारा कुछ इसी चैनल पर ही मिलेंगी। अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें। इस फिल्म को देखना है तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर जो कि साउथ लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी और वहां पर आप दोस्त जाके एंजॉय कर सकते हो और वीडियो भी लाइक और शेयर कर सकते। वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन मूवी के बारे में। जी हाँ, सो मिस्टर बच्चन जो फिल्म है ना 2024 में रिलीज़ की गई थी तो फाइनली अब आप दोस्त इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में कहाँ पे और कैसे इस फिल्म को वॉच कर सकते हो, किस तरह की ये फिल्म होने वाली है और आप दोस्त इस फिल्म को हिंदी में वो भी फ्रीली और ऑफिशियली वो भी अपने मोबाइल में कैसे देख सकती हो, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया हुआ तो कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को आपने लाजमी ऑन करना है क्योंकि जो भी न्यू मूवीज आती हैं उनके बारे में अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आपने सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है क्योंकि जो भी न्यू मूवी अब आएगी उसी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी वो जो कि जानने के लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा। जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर ज़्यादा हम बात नहीं करते तो यहाँ पर हम बात करें मिस्टर बच्चन मूवी की। तो यहाँ पर ये 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन ड्रामा जॉनर की फिल्म है और फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था 15 अगस्त 2024 में, यानी 15 अगस्त 2024 में इस फिल्म को इंडिपेंडेंस डे के फेस्टिवल या इंडिपेंडेंस डे के दिन पर ही रिलीज़ करवाया हुआ था।
उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में, तो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं हरी शंकर, जो इससे पहले काफ़ी अच्छी फिल्में भी बना चुके हैं, बट यहाँ पर जो ये उनकी फिल्म थी ना मिस्टर बच्चन, जो कि ये फिल्म बॉक्सेस पर जो कि फ़्लॉप ही रही। और यहाँ पर ये जो कि ख़ास बात इस फिल्म की ये भी है जिसकी वजह से फ़्लॉप रही, क्योंकि इस फिल्म की जो स्टोरी वगैरह थी ना वो रीमेक थी, यानी जो कि अजय देवगन की फिल्म आपने जो कि देखी होगी रेड फिल्म को, उसी फिल्म से इस फिल्म को ऑफिशियली जो कि रीमेक किया हुआ था तेलुगु लैंग्वेज के अंदर, जहाँ पर इस फिल्म को तेलुगु में ही रिलीज़ करवाया गया था। अब यहाँ पर इस फिल्म के लिए हिंदी ऑडियंस वेट कर रही है, क्योंकि रवि तेजा के भी काफ़ी सारे फैंस हैं जो उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं, तो उसी वजह से इस फिल्म काफ़ी सारी ऑडियंस वेट कर रही है, देखना चाहती है इस फिल्म को। इसीलिए जो भी अपडेट्स आई हैं वो सारा आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर बता दूँ चुके इस फिल्म को रेटिंग वगैरह जो मिली हुई है 10/3.6 की मिली हुई है, जो कि रेटिंग भी एवरेज ही है, और ये एक फ्लॉप रेटिंग मिली हुई है इस फिल्म को, एवरेज और फ्लॉप रेटिंग दी गई है जो कि गूगल के ऊपर ऑडियंस की तरफ से। लीड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं मिस्टर जो कि देखा जाए तो रवि तेजा, उसके बाद यहाँ पर भाग्यश्री बोर्स, उसके बाद यहाँ पर जो कि सिद्धू जुगनाल गादू जो है ना यहाँ पर जो कि कैमरापर्सन में देखने को मिल जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर जगपति बाबू हैं, भुवन्यु सिंह हैं, शुभलेखा सुधाकर हैं, सचिन गिड़ेकर हैं, और भी काफ़ी सारी स्पोर्टिंग कास्ट है जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर बता दूँ चुके मिस्टर बच्चन, जैसे मैंने आपको ऑफिशियली बताया हुआ है ना, पहले भी बताया कि मिस्टर बच्चन जो फिल्म है ना 2024 में रिलीज़ की गई, जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा एक्शन जोनर की फिल्म थी, राइट और डायरेक्ट किया हुआ था हरिशंकर ने, और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह जो किया हुआ था टी जी विष्णु प्रसाद ने, और यहाँ पर विवेक कुची बोतला ने और भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और अभिषेक पटाक ने मिलकर, और यहाँ पर कुमार मगनाथ पटाक ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। अंडर द बैनर फिल्म जैसे पीपल मीडिया फैक्ट्री तीसरी इस फिल्म, उसके बाद यहाँ पर पनोरमा जो कि स्टूडियोज़ के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया होता, यानी इस फिल्म के ऊपर जो भी खर्चा लगा हुआ था, जो भी इस फिल्म को बनाने के लिए रकम दी गई थी या जो भी पैसा लगा हुआ था, इन सब जो कंपनियों के थ्रू और इन सब प्रोड्यूसर वगैरह ने मिलकर इस फिल्म के ऊपर पैसा वगैरह लगाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ जो कि इस फिल्म को जैसे बताया हुआ था, यहाँ पर हरिशंकर ने फिल्म को जो कि डायरेक्ट किया हुआ था। राइट की बात करें तो स्टोरी को वैसे जो कि रेड जो थी ना उसी फिल्म को जो कि ऑफिशियली रिमेक किया हुआ था, तो उसी स्टोरी को जो कि उन्होंने तेलुगु लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ था, डायलाग्स वगैरह तेलुगु में लिखे हुए थे, थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह करके। उसके बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो श्री सतीश वेगनेसा ने जो कि इस फिल्म के स्क्रीन प्ले में हेल्प की हुई थी, रमेश रेड्डी, प्रवीण वर्मा, और उसके बाद जो कि दत्रिया और इसके बाद तानवी कैसरी ने मिलकर स्क्रीन प्ले में जो कि हेल्प वगैरह की हुई थी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में, तो रितेश शाह इस फिल्म के जो कि ऑफिशियली जो राइटर वगैरह थे, यानी रेड फिल्म को जो कि स्टोरी वगैरह को लिखा हुआ था, तो वो भी इस फिल्म के राइटर वगैरह हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो यहाँ पर जो कि अनियंका बोस ने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की हुई थी, उज्ज्वल करकरनी ने इस फिल्म को एडिट किया हुआ था। तो उज्ज्वल करकरनी को आजकल जो कि काफ़ी सारे लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने KGF Chapter 2 मूवी को जो कि एडिट किया हुआ था, उसके बाद उन्होंने जो कि Salaar 2 मूवी को भी एडिट किया था, तो उनकी ये तीसरी फिल्म थी जिसको वो एडिट करने में कामयाब रहे, जिसका नाम है उज्ज्वल कर जो मिस्टर बच्चन फिल्म थी ना रवि तेजा की। उसके बाद यहाँ पर म्यूज़िक की बात करें तो मिक्की जे मियर ने इस फिल्म को म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था, प्रोडक्शन कंपनी पीपल मीडिया फैक्ट्री तीसरी फिल्म और यहाँ पर पनोरमा स्टूडियोज़ के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात करें तो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट जो कंपनी कर रही थी ऑल ओवर द इंडिया, और वो थी मैत्री मूवी मेकर। जी हाँ, सो मैत्री मूवी मेकर जो फिल्म थी ना इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी ऑल ओवर द इंडिया, यानी ऑल ओवर द इंडिया इस फिल्म को रिलीज़ करवा रही थी, जो भी काम वगैरह था ना वो मैत्री मूवी मेकर वालों ने किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में और इस फिल्म के जो रनिंग टाइम की, तो 160 मिनट का इस फिल्म को रनिंग टाइम दिया हुआ था, जो कि जब इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज़ करवाया गया तो ऑडियंस की जो कि डिमांड थी कि ये बहुत बड़ी लंबी लेंथ वाली फिल्म है और बोरिंग फिल्म है, तो यहाँ पर उन्होंने 11 मिनट्स का एक कट लगाया हुआ था। उसके बाद भी इस फिल्म को ऑडियंस ने पसंद नहीं किया और यहाँ पर इस फिल्म का बजट था 70 करोड़, और जिसमें इस फिल्म ने सिर्फ 10% की भी रिकवरी नहीं कर पाया, और फिल्म ने जो कि देखा जाए तो 7 करोड़ का
कलेक्शन किया और यहाँ पर जो कि 10% की रिकवरी तो की है, लेकिन यहाँ पर बता दूँ जो कि 70 करोड़ के बजट में यानी 70 करोड़ के बजट में बनाई गई फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ का कलेक्शन किया और ये बॉक्स पर बहुत ही बड़ी डिज़ास्टर और फ्लॉप फिल्म रही। जी हाँ, सो देखा जाए तो रवि तेजा के कैरियर की सबसे बड़ी जो कि सबसे डिज़ास्टर फिल्म है ना, जो है वो मिस्टर बच्चन। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें फिल्म के थोड़ा सा डिटेलिंग के ऊपर, तो यहाँ पर फिल्म को ऑफिशियली जो कि इंस्पायर्ड किया हुआ था, जैसे मैं आपको बताया है ना, रियल लाइफ से, और यहाँ पर ये रेड फिल्म थी जो अजय देवगन की फिल्म थी, उसी फिल्म से इस फिल्म को ऑफिशियली रीमेक किया हुआ था, और यहाँ पर जो कि स्टोरी वगैरह को भी उसी फिल्म से जो कि ऑफिशियली कॉपी वगैरह किया हुआ था। अब यहाँ पर जो कि बात करें फिल्म के जो कि बारे में, कास्ट के बारे में, तो यहाँ पर जो कि मिस्टर बच्चन का रोल प्ले किया हुआ यहाँ पर रवि तेजा, यानी जो कि टैक्स ऑफिसर का, यानी इनकम टैक्स ऑफिसर का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर है जो कि भाग्यश्री बोस इस फिल्म के अंदर चिक्की का रोल प्ले किया हुआ है, जो यहाँ पर रवि तेजा की लवर भी बोल सकते हैं, या फिर उनकी गर्लफ्रेंड, या फिर उनकी वाइफ का भी रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर है जगपति बाबू दो मुत्यम जागिया का रोल प्ले किया है। उसके बाद यहाँ पर तलकीना भरानी है जो राम जागर ठाकुर का रोल प्ले किया। उसके बाद गौतमी है जो बास्ती का रोल प्ले किया। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो जो कि सुभा लेखा सुधाकर हैं जो पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया हुआ है सत्या इस फिल्म के अंदर, जिसकी इसके लवर का रोल प्ले किया हुआ है, जो यहाँ पर सचिन गिडेकर ना वो पंकज का रोल प्ले करते दिखाई दिए। यहाँ पर झांसी है जो यहाँ झांसी का रोल प्ले किया हुआ, सुदर्शन इस फिल्म के अंदर जो कि ऑस्ट्रा मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सत्यम जो कि राजेश हैं आनंद के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम इस फिल्म की बात करें तो आगे जैसे बताया हुआ ना जो कि उसके बाद यहाँ पर आदुल कलम जो कि नरेश हैं जो सीएम का रोल प्ले कर रहे हैं, चमक चंद्रा हैं। उसके बाद यहाँ पर अन्नापूर्णा स्टोरिंग में, उसके बाद यहाँ पर प्रभात सिन्हू है श्रीनिवास का रोल प्ले कर रहे हैं, गौतम राजू है जो यहाँ पर राजू का रोल प्ले किया है, जो कि बाबू मोहन है इस फिल्म के अंदर पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अजय रत्नम है, वी एस रवि हैं। उसके बाद यहाँ पर कल्याणी नटराजन है जो जिक्कीस की मादर का रोल प्ले किया है, शिल्पा है जो चक्रवर्ती इस फिल्म के अंदर भी देखने को मिली है, मायरा खान इस फिल्म का जो कि चिन्ना केशवा का की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर नागेश महेश इस फिल्म के अंदर जग्गा राव का रोल प्ले किया हुआ, वजा वेंकट इस फिल्म के अंदर बालू का रोल प्ले करते दिखाई दिया, सिद्धू जो जो इस फिल्म के अंदर है ना वो यूथ युवराज का रोल प्ले किया जो इस फिल्म के अंदर कैमियो अपीयरेंस में देखने को मिल जाते हैं, डीएसपी इस फिल्म के अंदर जो नालनचू सोंग तारा उसके अंदर एक कैमियो अपीयरेंस में देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये सारी कास्ट है इस फिल्म के अंदर जो देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर जो कि देखने को मिली है वो सारा कुछ इस फिल्म के अंदर रोल जो उनको कास्ट डायरेक्टर की तरफ से मिला हुआ था, तो उन्होंने रोल प्ले वगैरह किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें स्टोरी दिखाई जाती है आनंद की, यानी जो मिस्टर बच्चन का रोल प्ले कर दिखाई दिए जो यहाँ पर रवि तेजा प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो एक अनेस्ट और इनकम जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर का एक ईमानदार ऑफिसर है, और यहाँ पर वो ऐसे लोगों के घर में जो कि यानी रेड मारता है जिनके ऊपर जो कि वो एक पॉलिटिशियन होते हैं या बड़े जो कि देखा जाए तो बिजनेसमैन भी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर काला पैसा काफ़ी सारा होता है, इसी वजह से वो उनके घर के ऊपर जो कि पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन करता है, फिर उनके घर पर जो कि छापा मारता है, जो भी उनकी जो काला पैसा होता है ना वो उनको निकालता है, और फिर जो कि रेड वगैरह मार के सारा पैसा लेके जाता है। इस तरह करते करते उसके काफ़ी सारे दुश्मन बन जाते हैं, जिनमें से यहाँ पर जो कि उनका एक बहुत बड़ा जिसमें बन जाता है मोतियम जगिया जो इस फिल्म के अंदर दिखाया हुआ है, और वो जो कि उसके ऊपर काफ़ी सारा गुस्सा होता है और उससे जो कि मारना चाहता है, आखिर क्यों मारना चाहता है, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो आपको फिल्म में दिखाया जाएगा। और साथ ही ये भी दिखाया जाता है यहाँ पर जो कि जो आनंद है ना वो जो कि जिक्की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसका जो कि लवर बन चुका है, जिक्की भी उसे प्यार करने लग चुकी है, उससे वो की शादी कैसे होती है, उसकी शादी में कितनी सारी रुकावटें आती हैं, वो सारा कुछ आपको वो भी इस फिल्म के अंदर दिखाया जाएगा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तो ये स्टोरी वगैरह थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर गाने वगैरह की बात करें, टोटल इस फिल्म के 4 गाने, चारों गानों की लेंथ है 16 मिनट 9 सेकेंड। उसके बाद ये सारे गाने आपको तेलुगु टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर रिलीज वगैरह की बात करें तो यहाँ पर पहले भी बता चुके 15 अगस्त 2024 फिल्म को रिलीज करवाया होता है, जहाँ पर यह फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर और फ्लॉप फिल्म रही थी। उसके बाद यहाँ पर हिंदी वेरियंट की बात
करें या फिर OTT प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर 12 सितंबर यानी 12 सितंबर को 2024 में फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया था, जहाँ पर यह फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में ही रिलीज़ हुई थी। हिंदी वर्जन अभी तक इस फिल्म का जो कि रिलीज़ वगैरह नहीं करवाया गया था। जिसको हिंदी के बारे में जो भी अपडेट्स आएंगी वो सारा कुछ इसी चैनल पर ही मिलेंगी। अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें। इस फिल्म को देखना है तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर जो कि साउथ लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी और वहाँ पर आप दोस्त जाके इंजॉय कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते। वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन मूवी के बारे में। जी हाँ, सो मिस्टर बच्चन जो फिल्म है ना 2024 में रिलीज़ की गई थी, तो फाइनली अब आप दोस्त इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में कहाँ पे और कैसे इस फिल्म को वॉच कर सकते हो, किस तरह की ये फिल्म होने वाली है और आप दोस्त इस फिल्म को हिंदी में वो भी फ्रीली और ऑफिशियली वो भी अपने मोबाइल में कैसे देख सकती हो, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया हुआ तो कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को आपने लाजमी ऑन करना है, क्योंकि जो भी न्यू मूवीज आती हैं उनके बारे में अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आपने सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है, क्योंकि जो भी न्यू मूवी अब आएगी उसी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी वो जो कि जानने के लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा। जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर ज़्यादा हम बात नहीं करते तो यहाँ पर हम बात करें मिस्टर बच्चन मूवी की। तो यहाँ पर ये 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन ड्रामा जोनर की फिल्म है और इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था 15 अगस्त 2024 में, यानी 15 अगस्त 2024 में इस फिल्म को इंडिपेंडेंस डे के फेस्टिवल या इंडिपेंडेंस डे के दिन पर ही रिलीज़ करवाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में, तो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं हरीश शंकर, जो इससे पहले काफ़ी अच्छी फिल्में भी बना चुके हैं, बट यहाँ पर जो उनकी फिल्म थी ना मिस्टर बच्चन, जो कि ये फिल्म बॉक्स पर जो कि फ़्लॉप ही रही। और यहाँ पर ये जो कि ख़ास बात इस फिल्म की ये भी है जिसकी वजह से फ़्लॉप रही, क्योंकि इस फिल्म की जो स्टोरी वगैरह थी ना वो रीमेक थी, यानी जो कि अजय देवगन की फिल्म आपने जो कि देखी होगी रेड फिल्म को, उसी फिल्म से इस फिल्म को ऑफिशियली जो कि रीमेक किया हुआ था तेलुगु लैंग्वेज के अंदर, जहाँ पर इस फिल्म को तेलुगु में ही रिलीज़ करवाया गया था। अब यहाँ पर इस फिल्म के लिए हिंदी ऑडियंस वेट कर रही है, क्योंकि रवि तेजा के भी काफ़ी सारे फैंस हैं जो उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं, तो उसी वजह से इस फिल्म का भी काफ़ी सारी ऑडियंस वेट कर रही है, देखना चाहती है इस फिल्म को, इसीलिए जो भी अपडेट्स आई हैं वो सारा आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर बता दूँ जो कि इस फिल्म को रेटिंग वगैरह जो मिली हुई है 10/3.6 की मिली हुई है, जो कि रेटिंग भी एवरेज ही है और ये एक फ्लॉप रेटिंग मिली हुई है इस फिल्म को, एवरेज और फ्लॉप रेटिंग दी गई है जो कि गूगल के ऊपर ऑडियंस की तरफ से। लीड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं मिस्टर जो कि देखा जाए तो रवि तेजा, उसके बाद यहाँ पर भाग्यश्री बोर्स, उसके बाद यहाँ पर जो कि सिद्धू जुगनाल गादू जो है ना यहाँ पर जो कि कैमरे पर इसमें देखने को मिल जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर जगपति बाबू हैं, भुवनु सिंह हैं, शुभलेखा सुधाकर हैं, सचिन गिड़ेकर हैं और भी काफ़ी सारी स्पोर्टिंग कास्ट है जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर बता दूँ कि मिस्टर बच्चन, जैसे मैंने आपको ऑफिशियली बताया हुआ है ना, पहले भी बताया कि मिस्टर बच्चन जो फिल्म है ना 2024 में रिलीज़ की गई, जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा एक्शन जोनर की फिल्म थी। राइट और डायरेक्ट किया था हरिशंकर ने और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह जो किया था TG विष्णु प्रसाद ने और यहाँ पर विवेक कुची बोतला ने और भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और अभिषेक पटाक ने मिलकर और यहाँ पर कुमार मगनाथ पटाक ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया था। अंडर द बैनर फिल्म जैसे पीपल मीडिया फैक्ट्री, तीसरी फिल्म और उसके बाद यहाँ पर पनोरमा जो कि स्टूडियोज़ के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था, यानी इस फिल्म के ऊपर जो भी खर्चा लगा हुआ था, जो भी इस फिल्म को बनाने के लिए रकम दी गई थी या जो भी पैसा लगा हुआ था, इन सब जो कंपनियों के थ्रू और इन सब प्रोड्यूसर वगैरह ने मिलकर इस फिल्म के ऊपर पैसा वगैरह लगाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ जो कि इस फिल्म को जैसे बताया हुआ था यहाँ पर हरिशंकर ने इस फिल्म को जो कि डायरेक्ट किया हुआ था। राइट की बात करें तो स्टोरी को वैसे जो कि रेड जो थी ना उसी फिल्म को जो कि ऑफिशियली रिमेक किया हुआ था, तो उसी स्टोरी को जो कि उन्होंने तेलुगु लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ था, डायलाग्स वगैरह तेलुगु में लिखे हुए थे थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह करके। उसके बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो श्री सतीश वेगनेसा ने जो कि इस फिल्म के स्क्रीन प्ले में हेल्प की हुई थी, रमेश रेड्डी, प्रवीण वर्मा और उसके बाद जो कि दत्रिया और इसके बाद तानवी कैसरी ने मिलकर स्क्रीन प्ले में जो कि हेल्प वगैरह की हुई थी।
उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में, तो रितेश शाह इस फिल्म के जो के ऑफिशियली जो राइटर वगैरह थे, यानी रेड फिल्म को जो के स्टोरी वगैरह को लिखा हुआ था, तो वो भी इस फिल्म के राइटर वगैरह हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो यहाँ पर जो के अनियंका बोस ने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की हुई थी, उज्ज्वल करकर्णी ने इस फिल्म को एडिट किया हुआ था। तो उज्ज्वल करकर्णी को आजकल जो के काफ़ी सारे लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने KGF चैप्टर 2 मूवी को जो के एडिट किया हुआ था, उसके बाद उन्होंने के सालार 2 मूवी को भी एडिट किया था, तो उनकी ये तीसरी फिल्म थी जिसको वो एडिट करने में कामयाब रहे, जिसका नाम है उज्ज्वल कर जो मिस्टर बच्चन फिल्म थी ना रवि तेजा की। उसके बाद यहाँ पर म्यूज़िक की बात करें तो मिक्की जे मियर ने इस फिल्म को म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था, प्रोडक्शन कंपनी पीपल मीडिया फैक्ट्री टी सीरीज फिल्म और यहाँ पर पनोरमा स्टूडियोज़ के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात करें तो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट जो कंपनी कर रही थी ऑल ओवर द इंडिया, और वो थी मैत्री मूवी मेकर। जी हाँ, सो मैत्री मूवी मेकर जो फिल्म थी ना, इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी ऑल ओवर द इंडिया, यानी ऑल ओवर द इंडिया इस फिल्म को रिलीज़ करवा रही थी। जो भी काम वगैरह था ना, वो मैत्री मूवी मेकर वालों ने किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में और इस फिल्म के जो कि रनिंग टाइम की, तो 160 मिनट का इस फिल्म को रनिंग टाइम दिया हुआ था। जो कि जब इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज़ करवाया गया तो ऑडियंस की जो कि डिमांड थी कि ये बहुत बड़ी लंबी लेंथ वाली फिल्म है और बोरिंग फिल्म है, तो यहाँ पर उन्होंने 11 मिनट्स का एक कट लगाया हुआ था। उसके बाद भी इस फिल्म को ऑडियंस ने पसंद नहीं किया, और यहाँ पर इस फिल्म का बजट था 70 करोड़, और जिसमें इस फिल्म ने सिर्फ 10% की भी रिकवरी नहीं कर पाई, और फिल्म ने जो कि देखा जाए तो 7 करोड़ का कलेक्शन किया, और यहां पर जो कि 10% की रिकवरी तो की है, लेकिन यहां पर बता दूं जो कि 70 करोड़ के बजट में, यानी 70 करोड़ के बजट में बनाई गई फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ का कलेक्शन किया, और ये बॉक्सेस पर बहुत ही बड़ी डिजास्टर और फ्लॉप फिल्म रही। जी हां, सो देखा जाए तो रवि तेजा के कैरियर की सबसे बड़ी जो कि सबसे डिजास्टर फिल्म है ना, जो है वो मिस्टर बच्चन। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के थोड़ा सा डिटेलिंग के ऊपर, तो यहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशियली जो कि इंस्पायर्ड किया हुआ था, जैसे मैं आपको बताया है ना, रियल लाइफ से, और यहाँ पर ये रेड फिल्म थी जो अजय देवगन की फिल्म थी, उसी फिल्म से इस फिल्म को ऑफिशियली रीमेक किया हुआ था, और यहाँ पर जो कि स्टोरी वगैरह को भी उसी फिल्म से जो कि ऑफिशियली कॉपी वगैरह किया हुआ था। अब यहाँ पर जो कि बात करें इस फिल्म के जो कि बारे में, इस कास्ट के बारे में, तो यहाँ पर जो कि मिस्टर बच्चन का रोल प्ले किया हुआ यहाँ पर रवि तेजा, यानी जो कि टैक्स ऑफिसर का, यानी इनकम टैक्स ऑफिसर का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो कि भाग्यश्री बोस इस फिल्म के अंदर चिक्की का रोल प्ले किया हुआ है, जो यहाँ पर रवि तेजा की लवर भी बोल सकते हैं, या फिर उनकी गर्लफ्रेंड, या फिर उनकी वाइफ का भी रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर है जगपति बाबू दो मोतियम जागिया का रोल प्ले किया है। उसके बाद यहाँ पर तलकीना भरानी है जो राम जागर ठाकुर का रोल प्ले किया। उसके बाद गौतमी है जो बास्ती का रोल प्ले किया। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो जो कि सुभा लेखा सुधाकर है जो पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया है सत्या इस फिल्म के अंदर, जिसकी इसके लवर का रोल प्ले किया हुआ है, जो यहाँ पर सचिन गिड़े का नाम वो पंकज का रोल प्ले करते दिखाई दिए। यहाँ पर झांसी है जो यहाँ झांसी का रोल प्ले किया, सुदर्शन इस फिल्म के अंदर जो के ऑस्ट्रा मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सत्यम जो कि राजेश हैं आनंद के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम इस फिल्म की बात करें तो आगे जैसे बताया हुआ ना जो कि उसके बाद यहाँ पर आदुल कलम जो कि नरेश हैं जो सीएम का रोल प्ले कर रहे हैं, चमक चंद्रा हैं। उसके बाद यहाँ पर अन्नापूर्णा है स्टोरिंग में। उसके बाद यहाँ पर प्रभात सिंह है श्रीनिवास का रोल प्ले कर रहे हैं, गौतम राजू है जो यहाँ पर राजू का रोल प्ले किया है, जो कि बाबू मोहन है इस फिल्म के अंदर पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अजय रत्नम है, VS रवि हैं। उसके बाद यहाँ पर कल्याणी नटराजन है जो जिक्कीस की मादर का रोल प्ले किया है, शिल्पा है जो चक्रवर्ती इस फिल्म के अंदर भी देखने को मिली है, मायरा खान इस फिल्म का जो कि चिन्ना केशवा का की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर नागेश महेश इस फिल्म के अंदर जग्गा राव का रोल प्ले किया हुआ, वजा वेंकट इस फिल्म के अंदर बालू का रोल प्ले करते दिखाई दिया, सिद्धू जो इस फिल्म के अंदर है ना वो यूथ युवराज का रोल प्ले किया जो इस फिल्म के अंदर कैमियो अपीयरेंस में देखने को मिल जाते हैं, DSP इस फिल्म के अंदर जो नालनचू सोंग तना उसके अंदर एक कैमियो अपीयरेंस में देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये सारी कास्ट है इस फिल्म के अंदर जो देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर जो कि देखने को मिली है वो सारा कुछ इस फिल्म के अंदर रोल जो उनको कास्ट डायरेक्टर की तरफ से मिला हुआ था, तो उन्होंने रोल प्ले वगैरह किया हुआ था।
उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें स्टोरी दिखाई जाती है आनंद की, यानी जो मिस्टर बच्चन का रोल प्ले कर दिखाई दिए, जो यहाँ पर रवि तेजा प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो एक अनेस्ट और इनकम जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर का एक ईमानदार ऑफिसर है, और यहाँ पर वो ऐसे लोगों के घर में जो कि यानी रेड मारता है जिनके ऊपर जो कि वो एक पॉलिटिशियन होते हैं या बड़े जो कि देखा जाता तो बिजनेसमैन भी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर काला पैसा काफ़ी सारा होता है। इसी वजह से वो उनके घर के ऊपर जो कि पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन करता है, फिर उनके घर पर जो कि छापा मारता है, जो भी उनकी जो काला पैसा होता है ना वो उनको निकालता है, और फिर जो कि रेड वगैरह मार के सारा पैसा लेके जाता है। इस तरह करते करते उसके काफ़ी सारे दुश्मन बन जाते हैं, जिनमें से यहाँ पर जो कि उनका एक बहुत बड़ा जिसमें बन जाता है मोतियम जगिया, जो इस फिल्म के अंदर दिखाया हुआ है, और वो जो कि उसके ऊपर काफ़ी सारा गुस्सा होता है और उससे जो कि मारना चाहता है। आखिर क्यों मारना चाहता है, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, वो आपको फिल्म में दिखाया जाएगा। और साथ ही ये भी दिखाया जाता है यहाँ पर जो कि जो आनंद है ना वो जो कि जिक्की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसका जो कि लवर बन चुका है, जिक्की भी उससे प्यार करने लग चुकी है, उससे वो की शादी कैसे होती है, उसकी शादी में कितनी सारी रुकावटें आती हैं, वो सारा कुछ आपको वो भी इस फिल्म के अंदर दिखाया जाएगा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तो ये स्टोरी वगैरह थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर गाने वगैरह की बात करें, टोटल इस फिल्म के चार गाने, चारों गानों की लेंथ है 16 मिनट 9 सेकंड। उसके बाद ये सारे गाने आपको तेलुगु सीरीज टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर रिलीज वगैरह की बात करें तो यहाँ पर पहले भी बता चुका हूँ 15 अगस्त 2024 फिल्म को रिलीज करवाया होता है, जहाँ पर यह फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर और फ्लॉप फिल्म रही थी। उसके बाद यहाँ पर हिंदी वेरियंट की बात करें या फिर OTT प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहां पर 12 सितंबर यानी 12 सितंबर को 2024 में फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली रिलीज करवा दिया गया था, जहां पे ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में ही रिलीज हुई थी। हिंदी वर्जन अभी तक इस फिल्म का जो कि रिलीज वगैरह नहीं करवाया गया था, जिसको हिंदी के बारे में जो भी अपडेट्स आएंगी वो सारा कुछ इसी चैनल पर ही मिलेंगी। अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें। इस फिल्म को देखना है तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर जो कि साउथ लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी और वहां पर आप दोस्त जाके एंजॉय कर सकते हो और वीडियो भी लाइक और शेयर कर सकते। वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन मूवी के बारे में। जी हाँ, सो मिस्टर बच्चन जो फिल्म है ना 2024 में रिलीज़ की गई थी, तो फाइनली अब आप दोस्त इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में कहाँ पे और कैसे इस फिल्म को वॉच कर सकते हो, किस तरह की ये फिल्म होने वाली है, और आप दोस्त इस फिल्म को हिंदी में वो भी फ्रीली और ऑफिशियली वो भी अपने मोबाइल में कैसे देख सकती हो, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया हुआ तो कर दें, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को आपने लाजमी ऑन करना है, क्योंकि जो भी न्यू मूवीज आती हैं उनके बारे में अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आपने सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है, क्योंकि जो भी न्यू मूवी अब आएगी उसी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी वो जो कि जानने के लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा। जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर ज़्यादा हम बात नहीं करते तो यहाँ पर हम बात करें मिस्टर बच्चन मूवी की। तो यहाँ पर ये 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन ड्रामा जॉनर की फिल्म है, और फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था 15 अगस्त 2024 में, यानी 15 अगस्त 2024 में इस फिल्म को इंडिपेंडेंस डे के फेस्टिवल या इंडिपेंडेंस डे के दिन पर ही रिलीज़ करवाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में, तो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं हरीश शंकर, जो इससे पहले काफ़ी अच्छी फिल्में भी बना चुके हैं, बट यहाँ पर जो ये उनकी फिल्म थी ना मिस्टर बच्चन, जो कि ये फिल्म बॉक्सेस पर जो कि फ्लॉप ही रही, और यहाँ पर ये जो कि ख़ास बात इस फिल्म की ये भी है जिसकी वजह से फ़्लॉप रही, क्योंकि इस फिल्म की जो स्टोरी वगैरह थी ना वो रीमेक थी, यानी जो कि अजय देवगन की फिल्म आपने जो कि देखी होगी रेड फिल्म को, उसी फिल्म से इस फिल्म को ऑफिशियली जो कि रीमेक किया हुआ था तेलुगु लैंग्वेज के अंदर, जहाँ पर इस फिल्म को तेलुगु में ही रिलीज़ करवाया गया था। अब यहाँ पर इस फिल्म के लिए हिंदी ऑडियंस वेट कर रही है, क्योंकि रवि तेजा के भी काफ़ी सारे फैंस हैं जो उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं, तो उसी वजह से इस फिल्म का जो कि का भी काफ़ी सारी ऑडियंस वेट कर रही है, देखना चाहती है इस फिल्म को, इसीलिए जो भी अपडेट्स आई हैं वो सारा आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ।
तो यहाँ पर बता दूं जो कि इनको रेटिंग वगैरह जो मिली हुई है 10/3.6 की मिली हुई है, जो कि रेटिंग भी एवरेज ही है, और ये एक फ्लॉप रेटिंग मिली हुई है इस फिल्म को, एवरेज और फ्लॉप रेटिंग दी गई है जो कि गूगल के ऊपर ऑडियंस की तरफ से। लीड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं मिस्टर जो कि देखा जाए तो रवि तेजा, उसके बाद यहाँ पर भाग्यश्री बोर्स, उसके बाद यहाँ पर जो कि सिद्धू जुगनाल गादू जो है ना यहाँ पर जो कि कैमरे प्रेस में देखने को मिल जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर जगपति बाबू हैं, भुवन्यू सिंह हैं, सुबह जो कि शुभलेखा सुधाकर हैं, सचिन गिड़ेकर हैं, और भी काफ़ी सारी स्पोर्टिंग कास्ट है जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर बता दूं चुके मिस्टर बच्चन, जैसे मैंने आपको ऑफिशियली बताया हुआ है ना, पहले भी बताया कि मिस्टर बच्चन जो फिल्म है ना 2024 में रिलीज़ की गई, जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा एक्शन जोनर की फिल्म थी। राइट और डायरेक्ट किया था हरिशंकर ने, और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह जो किया था टी जी विष्णु प्रसाद ने, और यहाँ पर विवेक कुची बोतला ने, और भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और अभिषेक पटाक ने मिलकर, और यहाँ पर कुमार मगनाथ पटाक ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। अंडर द बैनर फिल्म जैसे पीपल मीडिया फैक्ट्री तीसरी इस फिल्म, उसके बाद यहाँ पर पनोरमा जो कि स्टूडियोज़ के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया होता, यानी इस फिल्म के ऊपर जो भी खर्चा लगा हुआ था, जो भी इस फिल्म को बनाने के लिए रकम दी गई थी या जो भी पैसा लगा हुआ था, इन सब जो कंपनियों के थ्रू और इन सब प्रोड्यूसर वगैरह ने मिलकर इस फिल्म के ऊपर पैसा वगैरह लगाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर बता दूं जो कि फिल्म को जैसे बताया हुआ था, यहाँ पर हरिशंकर ने फिल्म को जो कि डायरेक्ट किया हुआ था। राइट की बात करें तो स्टोरी को वैसे जो कि रेड जो थी ना उसी फिल्म को जो कि ऑफिशियली रीमेक किया हुआ था, तो उसी स्टोरी को जो कि उन्होंने तेलुगु लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ था, डायलॉग्स वगैरह तेलुगु में लिखे हुए थे, थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह करके। उसके बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो श्री सतीश वेगनेसा ने जो कि इस फिल्म के स्क्रीन प्ले में हेल्प की हुई थी, रमेश रेड्डी, प्रवीण वर्मा, और उसके बाद जो कि दत्रिया, और इसके बाद तानवी कैसरी ने मिलकर स्क्रीन प्ले में जो कि हेल्प वगैरह की हुई थी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में तो रितेश शाह इस फिल्म के जो कि ऑफिशियली जो राइटर वगैरह थे, यानी रेड फिल्म को जो कि स्टोरी वगैरह को लिखा हुआ था, तो वो भी इस फिल्म के राइटर वगैरह हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें सिनेमेटोग्राफी की, तो यहाँ पर जो कि अनियंका बोस ने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई थी, उज्ज्वल कुलकर्णी ने इस फिल्म को एडिट किया हुआ था। तो उज्ज्वल कुलकर्णी को आजकल जो कि काफ़ी सारे लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने KGF चैप्टर 2 मूवी को जो कि एडिट किया हुआ था, उसके बाद उन्होंने जो सालार 2 मूवी को भी एडिट किया था, तो उनकी ये तीसरी फिल्म थी जिसको वो एडिट करने में कामयाब रहे, जिसका नाम है उज्ज्वल कर जो मिस्टर बच्चन फिल्म थी ना रवि तेजा की। उसके बाद यहाँ पर म्यूजिक की बात करें तो मिक्की जे मियर ने इस फिल्म को म्यूजिक वगैरह दिया हुआ था, प्रोडक्शन कंपनी पीपल मीडिया फैक्ट्री तीसरी फिल्म, और यहाँ पर पनोरमा स्टूडियोज़ के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात करें तो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट जो कंपनी कर रही थी ऑल ओवर द इंडिया, और वो थी मैत्री मूवी मेकर। जी हाँ, सो मैत्री मूवी मेकर जो फिल्म थी ना इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी ऑल ओवर द इंडिया, यानी ऑल ओवर द इंडिया इस फिल्म को रिलीज़ करवा रही थी, जो भी काम वगैरह था ना वो मैत्री मूवी मेकर वालों ने किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में और इस फिल्म के जो जी के रनिंग टाइम की, तो 160 मिनट का इस फिल्म को रनिंग टाइम दिया हुआ था, जो कि जब इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज़ करवाया गया तो ऑडियंस की जो कि डिमांड थी कि ये बहुत बड़ी लंबी लेंथ वाली फिल्म है और बोरिंग फिल्म है, तो यहाँ पर उन्होंने 11 मिनट्स का एक कट लगाया हुआ था। उसके बाद भी इस फिल्म को ऑडियंस ने पसंद नहीं किया, और यहाँ पर इस फिल्म का बजट था 70 करोड़, और जिसमें इस फिल्म ने सिर्फ 10% की भी रिकवरी नहीं कर पाई, और फिल्म ने जो कि देखा जाए तो 7 करोड़ का कलेक्शन किया, और यहाँ पर जो कि 10% की रिकवरी तो की है, लेकिन यहाँ पर बता दूं जो कि 70 करोड़ के बजट में, यानी 70 करोड़ के बजट में बनाई गई फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ का कलेक्शन किया, और ये बॉक्सेस पर बहुत ही बड़ी डिजास्टर और फ्लॉप फिल्म रही। जी हाँ, सो देखा जाए तो रवि तेजा के कैरियर की सबसे बड़ी जो कि सबसे डिजास्टर फिल्म है ना जो है वो मिस्टर बच्चन। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें फिल्म के थोड़ा सा डिटेलिंग के ऊपर, तो यहाँ पर फिल्म को ऑफिशियली जो कि इंस्पायर्ड किया हुआ था जैसे मैं आपको बताया है ना रियल लाइफ से, और यहाँ पर ये रेड फिल्म थी जो अजय देवगन की फिल्म थी उसी फिल्म से इस फिल्म को ऑफिशियली रीमेक किया हुआ था, और यहाँ पर जो कि स्टोरी वगैरह को भी उसी फिल्म से जो कि ऑफिशियली कॉपी वगैरह किया हुआ था। अब यहाँ पर जो कि बात करें इस फिल्म के जो कि बारे में कास्ट के बारे में, तो यहाँ पर जो कि मिस्टर बच्चन का रोल प्ले किया हुआ, यहाँ पर रवि तेजा यानी जो कि टैक्स ऑफिसर का यानी इनकम टैक्स ऑफिसर का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर है जो कि भाग्यश्री बोस इस फिल्म के अंदर चिक्की का रोल प्ले किया हुआ है, जो यहाँ पर रवि तेजा की लवर भी बोल सकते हैं या फिर उनकी गर्लफ्रेंड या फिर उनकी वाइफ का भी रोल प्ले किया हुआ है।
उसके बाद यहाँ पर है जगपति बाबू, दो मुत्यम जागिया का रोल प्ले किया। उसके बाद यहाँ पर तलकीना भरानी है जो राम जागर ठाकुर का रोल प्ले किया। उसके बाद गौतमी है जो बास्ती का रोल प्ले किया। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो जो कि सुभालेखा सुधाकर है जो पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया हुआ है सत्या इस फिल्म के अंदर, जिसकि इसके अलावा का रोल प्ले किया हुआ है जो यहाँ पर सचिन गिडे करना वो पंकज का रोल प्ले करते दिखाई दिए। यहाँ पर झांसी है जो यहाँ झांसी का रोल प्ले किया हुआ, सुदर्शन इस फिल्म के अंदर जो कि ऑस्ट्रा मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सत्यम जो कि राजेश हैं आनंद के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम इस फिल्म की बात करें तो आगे जैसे बताया हुआ ना जो कि उसके बाद यहाँ पर आदुल कलम जो कि नरेश हैं जो सीएम का रोल प्ले कर रहे हैं, चमक चंद्रा हैं। उसके बाद यहाँ पर अन्नापूर्णा स्टोरिंग में, उसके बाद यहाँ पर प्रभात सिंह है श्रीनिवास का रोल प्ले कर रहे हैं, गौतम राजू है जो यहाँ पर राजू का रोल प्ले किया है, जो कि बाबू मोहन है इस फिल्म के अंदर पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अजय रत्नम है, वी एस रवि हैं। उसके बाद यहाँ पर कल्याणी नटराजन है जो जिक्की इसकी मादर का रोल प्ले किया है, शिल्पा है जो चक्रवर्ती इस फिल्म के अंदर भी देखने को मिली है, मायरा खान इस फिल्म का जो कि चिन्ना केशवा का की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर नागेश महेश इस फिल्म के अंदर जग्गा राव का रोल प्ले किया हुआ, वजा वेंकट इस फिल्म के अंदर बालू का रोल प्ले करते दिखाई दिया, सिद्धू जो इस फिल्म के अंदर है ना वो यूथ युवराज का रोल प्ले किया जो इस फिल्म के अंदर कैमियो अपीयरेंस में देखने को मिल जाते हैं। डीएसपी इस फिल्म के अंदर जो नालनचू सोंग तारा उसके अंदर एक कैमियो अपीयरेंस में देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये सारी कास्ट है इस फिल्म के अंदर जो देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर जो कि देखने को मिली है वो सारा कुछ इस फिल्म के अंदर रोल जो उनको कास्ट डायरेक्टर की तरफ से मिला हुआ था, तो उन्होंने रोल प्ले वगैरह किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें स्टोरी दिखाई जाती है आनंद की, यानी जो मिस्टर बच्चन का रोल प्ले कर दिखाई दिए जो यहाँ पर रवि तेजा प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो एक अनेस्ट और इनकम जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर का एक ईमानदार ऑफिसर है, और यहाँ पर वो ऐसे लोगों के घर में जो कि यानी रेड मारता है जिनके ऊपर जो कि वो एक पॉलिटिशियन होते हैं या बड़े जो कि देखा था तो बिजनेसमैन भी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर काला पैसा काफ़ी सारा होता है। इसी वजह से वो उनके घर के ऊपर जो कि पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन करता है, फिर उनके घर पर जो कि छापा मारता है, जो भी उनकी जो काला पैसा होता है ना वो उनको निकालता है और फिर जो कि रेड वगैरह मार के सारा पैसा लेके जाता है। इस तरह करते करते उसके काफ़ी सारे दुश्मन बन जाते हैं, जिनमें से यहाँ पर जो कि उनका एक बहुत बड़ा जिसमें बन जाता है मोतियम जगिया जो इस फिल्म के अंदर दिखाया हुआ है, और वो जो कि उसके ऊपर काफ़ी सारा गुस्सा होता है और उससे जो कि मारना चाहता है। आखिर क्यों मारना चाहता है, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो आपको फिल्म में दिखाया जाएगा। और साथ ही ये भी दिखाया जाता है यहाँ पर जो कि जो आनंद है ना वो जो कि जिक्की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसका जो कि लवर बन चुका है, जिक्की भी उसे प्यार करने लग चुकी है, उससे वो की शादी कैसे होती है और उसकी शादी में कितनी सारी रुकावटें आती हैं वो सारा कुछ आपको वो भी इस फिल्म के अंदर दिखाया जाएगा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तो ये स्टोरी वगैरह थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर गाने वगैरह की बात करें, टोटल इस फिल्म के चार गाने, चारों गानों की लेंथ है 16 मिनट 9 सेकेंड। उसके बाद ये सारे गाने आपको तेलुगु सीरीज टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर रिलीज वगैरह की बात करें तो यहाँ पर पहले भी बता चुके 15 अगस्त 2024 फिल्म को रिलीज करवाया होता है, जहाँ पर यह फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर और फ्लॉप फिल्म रही थी। उसके बाद यहाँ पर हिंदी वेरियंट की बात करें या फिर ओ टी टी प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर 12 सितंबर यानी 12 सितंबर 2024 फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली रिलीज करवा दिया गया था, जहाँ पर यह फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में ही रिलीज हुई थी। हिंदी वर्जन अभी तक इस फिल्म का जो कि रिलीज़ वगैरह नहीं करवाया गया था। जिसको हिंदी के बारे में जो भी अपडेट्स आएंगी वो सारा कुछ इसी चैनल पर ही मिलेंगी। अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें। इस फिल्म को देखना है तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर जो कि साउथ लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी और वहाँ पर आप दोस्त जाके इन्जॉय कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते। वेलकम बैक द अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन मूवी के बारे में। जी हाँ, सो मिस्टर बच्चन जो फिल्म है ना 2024 में रिलीज़ की गई थी, तो फाइनली अब आप दोस्त इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में कहाँ पे और कैसे इस फिल्म को वॉच कर सकते हो, किस तरह की ये फिल्म होने वाली है और आप दोस्त इस फिल्म को हिंदी में वो भी फ्रीली और ऑफिशियली वो भी अपने मोबाइल में कैसे देख सकती हो, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया हुआ तो कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को आपने लाजमी ऑन करना है,
क्योंकि जो भी न्यू मूवीज़ आती हैं उनके बारे में अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आपने सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है, क्योंकि जो भी न्यू मूवी आएगी उसी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी वो जो कि जानने के लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा। जैसे मैं वीडियो डालूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर ज़्यादा हम बात नहीं करते, तो यहाँ पर हम बात करें मिस्टर बच्चन मूवी की। तो यहाँ पर ये 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन ड्रामा जोनर की फिल्म है और इसे उनको रिलीज़ करवाया गया था 15 अगस्त 2024 में, यानी 15 अगस्त 2024 में इसे उनको इंडिपेंडेंस डे के फेस्टिवल या इंडिपेंडेंस डे के दिन पर ही रिलीज़ करवाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें फिल्म के बारे में, तो फिल्म के डायरेक्टर हैं हरीश शंकर, जो इससे पहले काफ़ी अच्छी फिल्में भी बना चुके हैं, बट यहाँ पर जो ये उनकी फ़िल्म थी ना मिस्टर बच्चन, जो कि ये फिल्म बॉक्सेस पर जो कि फ़्लॉप ही रही। और यहाँ पर ये जो कि ख़ास बात इस फिल्म की ये भी है जिसकी वजह से फ़्लॉप रही, क्योंकि फिल्म की जो स्टोरी वगैरह थी ना वो रीमेक थी, यानी जो कि अजय देवगन की फ़िल्म आपने जो कि देखी होगी रेड फिल्म को, उसी फिल्म से इस फिल्म को ऑफिशियली जो कि रीमेक किया हुआ था तेलुगु लैंग्वेज के अंदर, जहाँ पर इस फिल्म को तेलुगु में ही रिलीज़ करवाया गया था। अब यहाँ पर इस फिल्म के लिए हिंदी ऑडियंस वेट कर रही है, क्योंकि रवि तेजा के भी काफ़ी सारे फैंस हैं जो उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं, तो उसी वजह से इस फिल्म का भी काफ़ी सारी ऑडियंस वेट कर रही है, देखना चाहती है इस फिल्म को, इसीलिए जो भी अपडेट्स आई हैं वो सारा आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर बता दूँ चुके फिल्म को रेटिंग वगैरह जो मिली हुई है 10/3.6 की मिली हुई है, जो कि रेटिंग भी एवरेज ही है, और ये एक फ्लॉप रेटिंग मिली हुई है इस फिल्म को, एवरेज और फ्लॉप रेटिंग दी गई है जो कि गूगल के ऊपर ऑडियंस की तरफ से। लीड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं मिस्टर जो कि देखा जाए तो रवि तेजा, उसके बाद यहाँ पर भाग्यश्री बोर्स, उसके बाद यहाँ पर जो कि सिद्धू जुगनाल गादू जो है ना यहाँ पर जो कि कैमरे पर इसमें देखने को मिल जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर जगपति बाबू हैं, भविन्यू सिंह हैं, शुभलेखा सुधाकर हैं, सचिन गिड़ेकर हैं, और भी काफ़ी सारी स्पोर्टिंग कास्ट है जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर बता दूँ कि मिस्टर बच्चन, जैसे मैंने आपको ऑफिशियली बताया हुआ है ना, पहले भी बताया कि मिस्टर बच्चन जो फिल्म है ना 2024 में रिलीज़ की गई, जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा एक्शन जोनर की फिल्म थी, राइट और डायरेक्ट किया हुआ था हरीशंकर ने, और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह जो किया था टी जी विष्णु प्रसाद ने, और यहाँ पर विवेक कुची बोतला ने, और भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और अभिषेक पटाक ने मिलकर, और यहाँ पर कुमार मगनाथ पटाक ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। अंडर द बैनर फिल्म जैसे पीपल मीडिया फैक्ट्री, तीसरी इस फिल्म, उसके बाद यहाँ पर पनोरमा जो के स्टूडियोज़ के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था, यानी इस फिल्म के ऊपर जो भी खर्चा लगा हुआ था, जो भी इस फिल्म को बनाने के लिए रकम दी गई थी या जो भी पैसा लगा हुआ था, इन सब जो कंपनियों के थ्रू और इन सब प्रोड्यूसर वगैरह ने मिलकर इस फिल्म के ऊपर पैसा वगैरह लगाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ चुके इस फिल्म को, जैसे बताया हुआ था यहाँ पर हरीशंकर ने फिल्म को जो कि डायरेक्ट किया हुआ था। राइट की बात करें तो स्टोरी को वैसे जो कि रेड जो थी ना उसी फिल्म को जो कि ऑफिशियली रिमेक किया हुआ था, तो उसी स्टोरी को जो कि उन्होंने तेलुगु लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ था, डायलाग्स वगैरह तेलुगु में लिखे हुए थे, थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह करके। उसके बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो श्री सतीश वेगनेसा ने जो कि इस फिल्म के स्क्रीन प्ले में हेल्प की हुई थी, रमेश रेड्डी, प्रवीण वर्मा, और उसके बाद जो कि दत्रिया, और इसके बाद तानवी कैसरी ने मिलकर स्क्रीन प्ले में जो कि हेल्प वगैरह की हुई थी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में, तो रितेश शाह इस फिल्म के जो के ऑफिशियली जो राइटर वगैरह थे, यानी रेड फिल्म को जो के स्टोरी वगैरह को लिखा हुआ था, तो वो भी इस फिल्म के राइटर वगैरह हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो यहाँ पर जो के अनियंका बोस ने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की हुई थी, उज्ज्वल करकरनी ने इस फिल्म को एडिट किया हुआ था। तो उज्ज्वल करकरनी को आजकल जो के काफ़ी सारे लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने KGF चैप्टर 2 मूवी को जो के एडिट किया हुआ था, उसके बाद उन्होंने जो सालार 2 मूवी को भी एडिट किया था, तो उनकी ये तीसरी फिल्म थी जिसको वो एडिट करने में कामयाब रहे, जिसका नाम है उज्ज्वल कर जो मिस्टर बच्चन फिल्म थी ना रवि तेजा की। उसके बाद यहाँ पर म्यूज़िक की बात करें तो मिक्की जे मियर ने इसम को म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था, प्रोडक्शन कंपनी पीपल मीडिया फैक्ट्री, तीसरी फिल्म, और यहाँ पर पनोरमा स्टूडियोज़ के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात करें तो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट जो कंपनी कर रही थी ऑल ओवर द इंडिया, और वो थी मैत्री मूवी मेकर। जी हाँ, सो मैत्री मूवी मेकर जो फिल्म थी ना इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी ऑल ओवर द इंडिया, यानी ऑल ओवर द इंडिया इस फिल्म को रिलीज़ करवा रही थी, जो भी काम वगैरह था ना वो मैत्री मूवी मेकर वालों ने किया हुआ था।
उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में और इस फिल्म के जो जी के रनिंग टाइम की, तो 160 मिनट का इस फिल्म को रनिंग टाइम दिया हुआ था, जो कि जब इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज़ करवाया गया तो ऑडियंस की जो कि डिमांड थी कि ये बहुत बड़ी लंबी लेंथ वाली फिल्म है और बोरिंग फिल्म है, तो यहाँ पर उन्होंने 11 मिनट्स का एक कट लगाया हुआ था। उसके बाद भी इस फिल्म को ऑडियंस ने पसंद नहीं किया और यहाँ पर इस फिल्म का बजट था 70 करोड़ और जिसमें इस फिल्म ने सिर्फ 10% की भी रिकवरी नहीं कर पाई और फिल्म ने जो कि देखा जाए तो 7 करोड़ का कलेक्शन किया और यहां पर जो कि 10% की रिकवरी तो की है, लेकिन यहां पर बता दूं जो कि 70 करोड़ के बजट में यानी 70 करोड़ के बजट में बनाई गई फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ का कलेक्शन किया और ये बॉक्सेस पर बहुत ही बड़ी डिजास्टर और फ्लॉप फिल्म रही। जी हां, सो देखा जाए तो रवि तेजा के कैरियर की सबसे बड़ी जो कि सबसे डिजास्टर फिल्म है ना, जो है वो मिस्टर बच्चन। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के थोड़ा सा डिटेलिंग के ऊपर, तो यहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशियली जो कि इंस्पायर्ड किया हुआ था जैसा मैं आपको बताया है ना रियल लाइफ से, और यहाँ पर ये रेड फिल्म थी जो अजय देवगन की फिल्म थी उसी फिल्म से इस फिल्म को ऑफिशियली रीमेक किया हुआ था और यहाँ पर जो कि स्टोरी वगैरह को भी उसी फिल्म से जो कि ऑफिशियली कॉपी वगैरह किया हुआ था। अब यहाँ पर जो कि बात करें इस फिल्म के जो कि बारे में कास्ट के बारे में, तो यहाँ पर जो कि मिस्टर बच्चन का रोल प्ले किया हुआ यहाँ पर रवि तेजा यानी जो कि टैक्स ऑफिसर का यानी इनकम टैक्स ऑफिसर का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर है जो कि भाग्यश्री बोस इस फिल्म के अंदर चिक्की का रोल प्ले किया हुआ है, जो यहाँ पर रवि तेजा की लवर भी बोल सकते हैं या फिर उनकी गर्लफ्रेंड या फिर उनकी वाइफ का भी रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर है जगपति बाबू दो मोतियम जागिया का रोल प्ले किया है। उसके बाद यहाँ पर तलकीना भरानी है जो राम जागर ठाकुर का रोल प्ले किया। उसके बाद गौतमी है जो बास्ती का रोल प्ले किया। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो जो कि सुभा लेखा सुधाकर है जो पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया है सत्या इस फिल्म के अंदर, जिसकी इसके लवर का रोल प्ले किया हुआ है जो यहाँ पर सचिन गिड़े का नाम वो पंकज का रोल प्ले करते दिखाई दिए। यहाँ पर झांसी है जो यहाँ झांसी का रोल प्ले किया है सुदर्शन इस फिल्म के अंदर जो कि ऑस्ट्रा मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सत्यम जो कि राजेश हैं आनंद के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम इस फिल्म की बात करें तो आगे जैसे बताया हुआ ना जो कि उसके बाद यहाँ पर आदुल कलम जो कि नरेश हैं जो सीएम का रोल प्ले कर रहे हैं, चमक चंद्रा हैं। उसके बाद यहाँ पर अन्नापूर्णा है स्टोरिंग में। उसके बाद यहाँ पर प्रभात सिंह है श्रीनिवास का रोल प्ले कर रहे हैं, गौतम राजू है जो यहाँ पर राजू का रोल प्ले किया है, जो कि बाबू मोहन है इस फिल्म के अंदर पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अजय रत्नम है, वी एस रवि हैं। उसके बाद यहाँ पर कल्याणी नटराजन है जो जिक्कीस की मादर का रोल प्ले किया, शिल्पा है जो चक्रवर्ती इस फिल्म के अंदर भी देखने को मिली है, मायरा खान इस फिल्म का जो कि चिन्ना केशवा का की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर नागेश महेश इस फिल्म के अंदर जग्गा राव का रोल प्ले किया हुआ, वजा वेंकट इस फिल्म के अंदर बालू का रोल प्ले करते दिखाई दिया, सिद्धू जो इस फिल्म के अंदर है ना वो यूथ युवराज का रोल प्ले किया जो इस फिल्म के अंदर कैमियो अपीयरेंस में देखने को मिल जाते हैं, डीएसपी इस फिल्म के अंदर जो नालनचू सोंग तना उसके अंदर एक कैमियो अपीयरेंस में देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये सारी कास्ट है इस फिल्म के अंदर जो देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर जो कि देखने को मिली है वो सारा कुछ इस फिल्म के अंदर रोल जो उनको कास्ट डायरेक्टर की तरफ से मिला हुआ था, तो उन्होंने रोल प्ले वगैरह किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करें, तो यहाँ पर हमें स्टोरी दिखाई जाती है आनंद की यानी जो मिस्टर बच्चन का रोल प्ले कर दिखाई दिए जो यहाँ पर रवि तेजा प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो एक अनेस्ट और इनकम जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर का एक ईमानदार ऑफिसर है और यहाँ पर वो ऐसे लोगों के घर में जो कि यानी रेड मारता है जिनके ऊपर जो कि वो एक पॉलिटिशियन होते हैं या बड़े जो कि देखा जाए तो बिजनेसमैन भी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर काला पैसा काफ़ी सारा होता है, इसी वजह से वो उनके घर के ऊपर जो कि पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन करता है फिर उनके घर पर जो कि छापा मारता है, जो भी उनकी जो काला पैसा होता है ना वो उनको निकालता है और फिर जो कि रेड वगैरह मार के सारा पैसा लेके जाता है। इस तरह करते करते उसके काफ़ी सारे दुश्मन बन जाते हैं जिनमें से यहाँ पर जो कि उनका एक बहुत बड़ा जिसमें बन जाता है मोतियम जगिया जो इस फिल्म के अंदर दिखाया हुआ है, और वो जो कि उसके ऊपर काफ़ी सारा गुस्सा होता है और उसे जो कि मारना चाहता है, आखिर क्यों मारना चाहता है, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो आपको फिल्म में दिखाया जाएगा। और साथ ही ये भी दिखाया जाता है यहाँ पर जो कि जो आनंद है ना वो जो कि जिक्की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसका जो कि लवर बन चुका है, जिक्की भी उसे प्यार करने लग चुकी है, उससे वो की शादी कैसे होती है और उसकी शादी में कितनी सारी रुकावटें आती हैं वो सारा कुछ आपको
वो भी इस फिल्म के अंदर दिखाया जाएगा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तो ये स्टोरी वगैरह थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर गाने वगैरह की बात करें, टोटल इस फिल्म के चार गाने, चारों गानों की लेंथ है 16 मिनट 9 सेकेंड। उसके बाद ये सारे गाने आपको तेलुगु सीरीज टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर रिलीज़ वगैरह की बात करें तो यहाँ पर पहले भी बता चुका हूँ 15 अगस्त 2024 फिल्म को रिलीज़ करवाया होता है, जहाँ पर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर और फ्लॉप फिल्म रही थी। उसके बाद यहाँ पर हिंदी वेरियंट की बात करें या फिर ओ टी टी प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर 12 सितंबर यानी 12 सितंबर 2024 फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया था, जहाँ पर यह फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में ही रिलीज़ हुई थी। हिंदी वेरियंट अभी तक इस फिल्म का जो कि रिलीज़ वगैरह नहीं करवाया गया था। जिसको हिंदी के बारे में जो भी अपडेट्स आएंगी वो सारा कुछ इसी चैनल पर ही मिलेंगी। अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें। इस फिल्म को देखना है तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर जो कि साउथ लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी और वहाँ पर आप दोस्त जाके इंजॉय कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते। वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन मूवी के बारे में। जी हाँ, सो मिस्टर बच्चन जो फिल्म है ना 2024 में रिलीज़ की गई थी, तो फाइनली अब आप दोस्त इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में कहाँ पे और कैसे इस फिल्म को वॉच कर सकते हो, किस तरह की ये फिल्म होने वाली है और आप दोस्त इस फिल्म को हिंदी में वो भी फ्रीली और ऑफिशियली वो भी अपने मोबाइल में कैसे देख सकती हो, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया हुआ तो कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को आपने लाजमी ऑन करना है, क्योंकि जो भी न्यू मूवीज आती हैं उनके बारे में अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आपने सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है, क्योंकि जो भी न्यू मूवी अब आएगी उसी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी वो जो कि जानने के लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा। जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर ज़्यादा हम बात नहीं करते तो यहाँ पर हम बात करें मिस्टर बच्चन मूवी की। तो यहाँ पर ये 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन ड्रामा जॉनर की फिल्म है और फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था 15 अगस्त 2024 में, यानी 15 अगस्त 2024 में इस फिल्म को इंडिपेंडेंस डे के फेस्टिवल या इंडिपेंडेंस डे के दिन पर ही रिलीज़ करवाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें फिल्म के बारे में, तो फिल्म के डायरेक्टर हैं हरीश शंकर, जो इससे पहले काफ़ी अच्छी फिल्में भी बना चुके हैं, बट यहाँ पर जो ये उनकी फिल्म थी ना मिस्टर बच्चन, जो कि ये फिल्म बॉक्सेस पर जो कि फ़्लॉप ही रही। और यहाँ पर ये जो कि ख़ास बात इस फिल्म की ये भी है जिसकी वजह से फ़्लॉप रही, क्योंकि फिल्म की जो स्टोरी वगैरह थी ना वो रीमेक थी, यानी जो कि अजय देवगन की फिल्म आपने जो कि देखी होगी रेड फिल्म को, उसी फिल्म से इस फिल्म को ऑफिशियली जो कि रीमेक किया हुआ था तेलुगु लैंग्वेज के अंदर, जहाँ पर इस फिल्म को तेलुगु में ही रिलीज़ करवाया गया था। अब यहाँ पर इस फिल्म के लिए हिंदी ऑडियंस वेट कर रही है, क्योंकि रवि तेजा के भी काफ़ी सारे फैंस हैं जो उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं, तो उसी वजह से इस फिल्म का भी काफ़ी सारी ऑडियंस वेट कर रही है, देखना चाहती है इस फिल्म को, इसीलिए जो भी अपडेट्स आई हैं वो सारा आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर बता दूँ जो कि इस फिल्म को रेटिंग वगैरह जो मिली हुई है 10/3.6 की मिली हुई है, जो कि रेटिंग भी एवरेज ही है और ये एक फ्लॉप रेटिंग मिली हुई है इस फिल्म को, एवरेज और फ्लॉप रेटिंग दी गई है जो कि गूगल के ऊपर ऑडियंस की तरफ से। लीड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं मिस्टर जो कि देखा जाए तो रवि तेजा, उसके बाद यहाँ पर भाग्यश्री बोर्स, उसके बाद यहाँ पर जो कि सिद्धू जुगनाल गादू जो है ना यहाँ पर जो कि कैमरे में देखने को मिल जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर जगपति बाबू हैं, भुवनु सिंह हैं, शुभलेखा सुधाकर हैं, सचिन गिड़ेकर हैं और भी काफ़ी सारी स्पोर्टिंग कास्ट है जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर बता दूँ चुके मिस्टर बच्चन, जैसे मैंने आपको ऑफिशियली बताया हुआ है ना, पहले भी बताया कि मिस्टर बच्चन जो फिल्म है ना 2024 में रिलीज़ की गई, जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा एक्शन जोनर की फिल्म थी, राइट और डायरेक्ट किया था हरिशंकर ने और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह जो किया था टी जी विष्णु प्रसाद ने और यहाँ पर विवेक कुची बोतला ने और भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और अभिषेक पटाक ने मिलकर और यहाँ पर कुमार मगनाथ पटाक ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। अंडर द बैनर फिल्म जैसे पीपल मीडिया फैक्ट्री तीसरी इस फिल्म और उसके बाद यहाँ पर पनोरमा जो के स्टूडियोज़ के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया होता, यानी इस फिल्म के ऊपर जो भी खर्चा लगा हुआ था, जो भी इस फिल्म को बनाने के लिए रकम दी गई थी या जो भी पैसा लगा हुआ था, इन सब जो कंपनियों के थ्रू और इन सब प्रोड्यूसर वगैरह ने मिलकर इस फिल्म के ऊपर पैसा वगैरह लगाया हुआ था।
उसके बाद यहाँ पर बता दूँ चुके फिल्म को, जैसे बताया हुआ था यहाँ पर हरिशंकर ने फिल्म को चुके डायरेक्ट किया हुआ था। राइट की बात करें तो स्टोरी को वैसे चुके रेड जो थी ना उसी फिल्म को चुके ऑफिशियली रिमेक किया हुआ था, तो उसी स्टोरी को चुके उन्होंने तेलुगु लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ था, डायलॉग्स वगैरह तेलुगु में लिखे हुए थे, थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह करके। उसके बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो श्री सतीश वेगनेसा ने चुके इस फिल्म के स्क्रीन प्ले में हेल्प की हुई थी, रमेश रेड्डी, प्रवीण वर्मा और उसके बाद चुके दत्रिया और इसके बाद तानवी कैसरी ने मिलकर स्क्रीन प्ले में चुके हेल्प वगैरह की हुई थी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में तो रितेश शाह इस फिल्म के जो के ऑफिशियली जो राइटर वगैरह थे, यानी रेड फिल्म को जो के स्टोरी वगैरह को लिखा हुआ था, तो वो भी इस फिल्म के राइटर वगैरह हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो यहाँ पर जो के अनियंका बोस ने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई थी, उज्ज्वल करकर्णी ने इस फिल्म को एडिट किया हुआ था। तो उज्ज्वल करकर्णी को आजकल जो के काफ़ी सारे लोग जानते हैं क्योंकि उन्होंने KGF चैप्टर 2 मूवी को जो के एडिट किया हुआ था, उसके बाद उन्होंने जो सालार 2 मूवी को भी एडिट किया था, तो उनकी ये तीसरी फिल्म थी जिसको वो एडिट करने में कामयाब रहे, जिसका नाम है उज्जवल कर जो मिस्टर बच्चन फिल्म थी ना रवि तेजा की। उसके बाद यहाँ पर म्यूजिक की बात करें तो मिक्की जे मियर ने सिम को म्यूजिक वगैरह दिया हुआ था, प्रोडक्शन कंपनी पीपल मीडिया फैक्ट्री टी सीरीज फिल्म और यहाँ पर पनोरमा स्टूडियोज़ के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात करें तो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट जो कंपनी कर रही थी ऑल ओवर द इंडिया और वो थी मैत्री मूवी मेकर। जी हाँ, सो मैत्री मूवी मेकर जो फिल्म थी ना इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी ऑल ओवर द इंडिया, यानी ऑल ओवर द इंडिया इस फिल्म को रिलीज़ करवा रही थी, जो भी काम वगैरह था ना वो मैत्री मूवी मेकर वालों ने किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में और इस फिल्म के जो जी के रनिंग टाइम की तो 160 मिनट का इस फिल्म को रनिंग टाइम दिया हुआ था, जो कि जब इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज़ करवाया गया तो ऑडियंस की जो कि डिमांड थी कि ये बहुत बड़ी लंबी लेंथ वाली फिल्म है और बोरिंग फिल्म है, तो यहाँ पर उन्होंने 11 मिनट्स का एक कट लगाया हुआ था। उसके बाद भी इस फिल्म को ऑडियंस ने पसंद नहीं किया और यहाँ पर इस फिल्म का बजट था 70 करोड़ और जिसमें इस फिल्म ने सिर्फ 10% की भी रिकवरी नहीं कर पाया और फिल्म ने जो कि देखा जाए तो 7 करोड़ का कलेक्शन किया और यहां पर जो कि 10% की रिकवरी तो की है, लेकिन यहां पर बता दूं जो कि 70 करोड़ के बजट में यानी 70 करोड़ के बजट में बनाई गई फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ का कलेक्शन किया और ये बॉक्सेस पर बहुत ही बड़ी डिजास्टर और फ्लॉप फिल्म रही। जी हां, सो देखा जाए तो रवि तेजा के कैरियर की सबसे बड़ी जो कि सबसे डिजास्टर फिल्म है ना जो है वो मिस्टर बच्चन। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें फिल्म के थोड़ा सा डिटेलिंग के ऊपर तो यहाँ पर फिल्म को ऑफिशियली जो कि इंस्पायर्ड किया हुआ था जैसे मैं आपको बताया है ना रियल लाइफ से, और यहाँ पर ये रेड फिल्म थी जो अजय देवगन की फिल्म थी उसी फिल्म से इस फिल्म को ऑफिशियली रीमेक किया हुआ था और यहाँ पर जो कि स्टोरी वगैरह को भी उसी फिल्म से जो कि ऑफिशियली कॉपी वगैरह किया हुआ था। अब यहाँ पर जो कि बात करें फिल्म के जो कि बारे में कास्ट के बारे में तो यहाँ पर जो कि मिस्टर बच्चन का रोल प्ले किया हुआ यहाँ पर रवि तेजा यानी जो कि टैक्स ऑफिसर का यानी इनकम टैक्स ऑफिसर का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर है जो कि भाग्यश्री बोस इस फिल्म के अंदर चिक्की का रोल प्ले किया हुआ है, जो यहाँ पर रवि तेजा की लवर भी बोल सकते हैं या फिर उनकी गर्लफ्रेंड या फिर उनकी वाइफ का भी रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर है जगपति बाबू दो मोतियम जागिया का रोल प्ले किया है। उसके बाद यहाँ पर तलकीना भरानी है जो राम जागर ठाकुर का रोल प्ले किया। उसके बाद गौतमी है जो बास्ती का रोल प्ले किया। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो जो कि सुभा लेखा सुधाकर है जो पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया हुआ है सत्या इस फिल्म के अंदर, जिसकी इसके लवर का रोल प्ले किया हुआ है जो यहाँ पर सचिन गिडेकर ना वो पंकज का रोल प्ले करते दिखाई दिए। यहाँ पर झांसी है जो यहाँ झांसी का रोल प्ले किया हुआ सुदर्शन इस फिल्म के अंदर जो कि ऑस्ट्रा मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सत्यम जो कि राजेश हैं आनंद के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम इस फिल्म की बात करें तो आगे जैसे बताया हुआ ना जो कि उसके बाद यहाँ पर आदुल कलम जो कि नरेश हैं जो सीएम का रोल प्ले कर रहे हैं, चमक चंद्रा हैं, उसके बाद यहाँ पर अन्नापूर्णा स्टोरिंग में, उसके बाद यहाँ पर प्रभात सिन्हू है श्रीनिवास का रोल प्ले कर रहे हैं, गौतम राजू है जो यहाँ पर राजू का रोल प्ले किया है, जो कि बाबू मोहन है इस फिल्म के अंदर पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अजय रत्नम है, VS रवि हैं, उसके बाद यहाँ पर कल्याणी नटराजन है जो जिक्कीस की मादर का रोल प्ले किया है, शिल्पा है जो चक्रवर्ती इस फिल्म के अंदर भी देखने को मिली है, मायरा खान इस फिल्म का जो कि चिन्ना केशवा का की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर नागेश महेश इस फिल्म के अंदर जग्गा राव का रोल प्ले किया हुआ, वजा वेंकट
इस फिल्म के अंदर बालू का रोल प्ले करते दिखाया दिया सिद्धू जो जो इस फिल्म के अंदर है ना वो यूथ युवराज का रोल प्ले किया जो इस फिल्म के अंदर कैमियो अपीयरेंस में देखने को मिल जाते हैं। डीएसपी इस फिल्म के अंदर जो नालनचू सोंगदाना उसके अंदर एक कैमियो अपीयरेंस में देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये सारी कास्ट है इस फिल्म के अंदर जो देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जो कि देखने को मिली है वो सारा कुछ इस फिल्म के अंदर रोल जो उनको कास्ट डायरेक्टर की तरफ से मिला हुआ था तो उन्होंने रोल प्ले वगैरह किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें स्टोरी दिखाई जाती है आनंद की यानी जो मिस्टर बच्चन का रोल प्ले कर दिखाई दिए जो यहाँ पर रवि तेजा प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो एक अनेस्ट और इनकम जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर का एक ईमानदार ऑफिसर है और यहाँ पर वो ऐसे लोगों के घर में जो कि यानी रेड मारता है जिनके ऊपर जो कि वो एक पॉलिटिशियन होते हैं या बड़े जो कि देखा जाए तो बिजनेसमैन भी होते हैं क्योंकि उनके अंदर काला पैसा काफ़ी सारा होता है। इसी वजह से वो उनके घर के ऊपर जो कि पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन करता है फिर उनके घर पर जो कि छापा मारता है जो भी उनकी जो काला पैसा होता है ना वो उनको निकालता है और फिर जो कि रेड वगैरह मार के सारा पैसा लेके जाता है। इस तरह करते करते उसके काफ़ी सारे दुश्मन बन जाते हैं जिनमें से यहाँ पर जो कि उनका एक बहुत बड़ा जिसमें बन जाता है मोतियम जगिया जो इस फिल्म के अंदर दिखाया हुआ है और वो जो कि उसके ऊपर काफ़ी सारा गुस्सा होता है और उससे जो कि मारना चाहता है। आखिर क्यों मारना चाहता है क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो आपको फिल्म में दिखाया जाएगा। और साथ ही ये भी दिखाया जाता है यहाँ पर जो कि जो आनंद है ना वो जो कि जिक्की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसका जो कि लवर बन चुका है जिक्की भी उसे प्यार करने लग चुकी है उससे वो की शादी कैसे होती है उसकी शादी में कितनी सारी रुकावटें आती हैं वो सारा कुछ आपको वो भी इस फिल्म के अंदर दिखाया जाएगा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तो ये स्टोरी वगैरह थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर गाने वगैरह की बात करें टोटल इस फिल्म के चार गाने चारों गानों की लेंथ है 16 मिनट 9 सेकेंड। उसके बाद ये सारे गाने आपको तेलुगु सीरीज टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर रिलीज़ वगैरह की बात करें तो यहाँ पर पहले भी बता चुके 15 अगस्त 2024 फिल्म को रिलीज़ करवाया होता है जहाँ पर यह फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर और फ्लॉप फिल्म रही थी। उसके बाद यहाँ पर हिंदी वेरियंट की बात करें या फिर ओ टी टी प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर 12 सितंबर यानी 12 सितंबर 2024 फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया था जहाँ पर यह फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में ही रिलीज़ हुई थी। हिंदी वर्जन अभी तक इस फिल्म का जो कि रिलीज़ वगैरह नहीं करवाया गया था। जिसको हिंदी के बारे में जो भी अपडेट्स आएंगी वो सारा कुछ इसी चैनल पर ही मिलेंगी। अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें। इस फिल्म को देखना है तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर जो कि साउथ लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी और वहाँ पर आप जाके इन्जॉय कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते।